बढ़ेंगे संस्था आगे जाएगी संस्था का नाम होगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे तो इस क्रम में मैं अब सबसे पहले प्रमोद सिंह जी को सहायक कुल सचिव प्रमोद सिंह जी आए और थोड़ा सा बाचिक स्वागत करते हुए और हमारे इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएं प्रमोद सिंह जी सहायक कुल सचिव प्रशासन धन्यवाद सर आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा था और लोग मुझे सुनना भी नहीं चाह रहे होंगे लेकिन सर जो कार्यक्रम की मर्यादा है उसको पूरा करना है तो उसी परिपेक्ष में मंचासीन हमारे पद्मश्री प्रोफ़ेसर किसे नवान नवा समते हैं सर जो कि हम लोग के अभिभावक ही हैं और चूँकि हम सभी जान रहे हैं हम आज क्यों आए हुए हैं सर की दीर्घकालीन सेवा जो है मैं तो ये तो नहीं कहूँगा संपूर्ति क्योंकि सर मुझे लगता है कि और भी संस्थान के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे तो ये संपूर्ति तो नहीं है लेकिन चूंकि समारोह रखा गया है तो पहले मैं सर का स्वागत करता हूँ यहाँ पे कि सर ने अभी भी मैं जो मैं दो सौ मिनट लूँगा उसके लिए तो सर आपका स्वागत है सर यहाँ पे साथ में प्रोफेसर डब्ल्यू डी नेगी सर बैठे हुए हैं सर आपका स्वागत है और चूँकि हम हम सभी जानते हैं कि संस्थान में डॉक्टर सुजात चंद्रा मैडम विश्वविद्या बी से जो है उन्होंने ज्वाइन किया है अभी औपचारिक हम लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया है तो मैडम इस मन से मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और आ, कल हम लोगों ने जो है प्रोफेसर मेहता सर को आ, मुझे लगता है रात को हम लोगों ने फ़ोन किया और सर ने सहर तुरंत कि नहीं मैं आऊँगा और सर समय से पहले आए सर आपका स्वागत है संस्थान परिवार में और आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आ, आप आ, राम सुधार सर मुझे लगता है हम सभी जानते हो कहना नहीं है कि अगर कोई भी कार्यक्रम हो और सर न रहे तो लगता है कि ये कुछ अधूरा अधूरा सा है सर आपको स्वागत है बाबूराव राम त्रिपाठी सर जो सेवानिवृत्त रहे हैं लेकिन हमेशा संस्थान के उसमें रहते हैं और आज भी मैं वो देख रहा हूँ सर जो है पहले से आए आएँ सर आपका स्वागत करते हैं सभी का नाम लेने पाना इस मन से संभव नहीं है चूँकि समय की मर्यादा है और कम भी है और कुछ दो मिनट मैं भी सर की उसे बोलना चाहता हूँ स्वागत के छोड़ के तो सभी विभागाध्यक्ष डीन हमारे साथ में प्रशासन द्वितीय प्रथम शैक्षिकगण और चतुर्श्रेठी कर्मचारी और जो छात्र और छात्राएं जो इतनी भारी संख्या में जुड़े हैं यहाँ पे उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पर और इतनी संख्या तो मैं देखता हूँ कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होता है इतने छात्र नहीं जुड़ते हैं ये नवाज समतेज सर के प्रति छात्रों का जो है समर्पण है जो आज इतनी संख्या में देख रहा हूँ पीछे तक ऊपर ही भरा हुआ है तो सर आप सभी का स्वागत है और अपनी मर्यादा को लाँगते हुए मैं दो मिनट सर के विषय बोलना चाहूँगा चूँकि मेरा नाम नहीं है बोलने वालों में तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा सर ने समय दिया है तो इसलिए मैं बोलता हूँ सर के साथ मेरा चार साल का कार्यकाल रहा लेकिन मैं इस मन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये मानूँ जो मैं कहता रहता हूँ कि मैं विधि का छात्र हूँ तो जब सर के साथ प्रशासनिक बात होती थी और सर कहते थे हमेशा मुझसे कि मैं लॉजिक आदमी हूँ तो कहीं ना कहीं सर हमेशा विधि वाले को जो अपने लॉजिक से दबा देते थे क्योंकि ये मैंने नहीं कर दबा देते थे सर अपने तर्कों से और विचारों से हम लोगों को जो है बताते थे कि नहीं तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि नहीं विधि तो ज़रूरी है लेकिन जो सामंजस्य है उसको बैठाना सर के सानिध्य मैंने सीखा है अगर मैं कहूँ कि मैं प्रबंधन का छात्र हूँ तो सर का प्रबंधन जो मैंने नैक के दौरान देखा जो अभी चर्चा हो रहा था और कुछ ऐसा मिसैपनिंग हो गया मिसैपनिंग क्या हुई हमारे उस समय जो है जो कुल सचिव थे थोड़ा बीमार हो गए थे और सर के साथ लगातार 12-15 दिन मुझे कार्य करने का मौका मिला जो लगातार मैं कह रहा हूँ तो कुछ दिन ऐसा हुआ कि सभी जानते कि मैं भारतीय सेना से लौटा हूँ तो सर के साथ चलते चलते सर इतना थका देते थे इस उम्र में कि मैं नॉर्मली स्पोर्ट्स शू पहनता नहीं हूँ लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि आप स्पोर्ट्स शू क्यों पहनने लगे मैंने कहा सर को पकड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है तो सर की वो क्षमता है आज भी और हम ये कह रहे हैं और मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है प्रशासन में या कई विभागों में मैंने सर का वो देखा है लोग ये कहते हैं कि नहीं अब मेरा समय है जो आएगा देखेगा या हमारे भी प्रशासन में लोग हैं कुछ लोग आते हैं कि नहीं अब सर मेरा छः महीने रह गया मुझे छोड़ दो मुझे माफ़ कर दो लेकिन सर मुझे लगता है कि आज सुबह सर का फोन आया साढ़े नौ बजे सर तब भी चिंतित थे कि संस्थान के लिए क्या करना है कल भी चिंतित थे और आखिरी पल तक सर ने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक जो हो सके अभी भी आप देखें तो सर की पूरी डायरी भरी हुई है और सर ने एक कि टिक किए हुए हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे लगता है जैसा धनंद चौधरी सर कहा कि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यहाँ असंतुष्ट बैठा है ठीक है संतुष्टि हम सबको तो हम फुलफिल नहीं कर सकते या सर भी नहीं कर सकते अब तो ईश्वर भी नहीं कर पाएंगे लेकिन जो भी लोगों की सर से उपेक्षाएं थी सर ने पूरा कर दिया है और हम लोगों ने सर से सीखा है और सर मैं उम्मीद करूंगा कि सर आपका मार्गदर्शन मिलेगा और जो प्रबंधी कौशल मैंने सर से सीखा है वो शायद मैं अपने मैनेजमेंट के दौरान नहीं सीख पाया तो सर उसके लिए तहे दिल से सर धन्यवाद बस इतना ही शब्दों के साथ में समर्थकार करना धन्यवाद अब मैं एकेडमिक डीन शांतरक्षित ग्रंथालय प्रभारी डॉक्टर डा, टासी छेर प्रोफेसर टासी छेरंगी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप आए आपका भी साथ आचार्य श्री कुल माननीय कुलपति जी के साथ बहुत पहले का है उसी समय का है बहुत पुराने हैं आप ऋणपोशी जी के समय में आप रहे हो सकता है दो चार दो तीन साल का अ, अंतर हो आगे पीछे का जहाँ तक है तो आपका बहुत अच्छा अनुभव है आप मंच पर आएँ और अपना वक्तव्य प्रदान करें मैं संक्षेप में, में कहूँगा वैसे तो मेरा जान पहचान प्रोफेसर सामदीन जी से लगभग पचास वर्षों से है क्योंकि मैं यहाँ उन्नीस में पूर्व तम प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हूँ उस समय हम लोग सुबह पाँच बजे उठ करके संपूर्ण आनंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में बस बेचाते जाते थे और इत्यादि छुट्टियों पर मैं वर्मा छात्रावास में रहता हूँ सारनाथ में और छुट्टी के समय सिद्धार्थ छात्रावास वहाँ जा कर के वॉलीबॉल खेलता हूँ तत्पश्चात उन्नीस सौ से लेकर अभी तक लगभग पैंतीस वर्षों से अध्यापक के पद पर हूँ और विशेष करके जब समदेन जी यहाँ के विषय पद को संभाला तब से विभिन्न कार्यों में कार्य किया है समदेन जी का विशेषता यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बात करे या गुस्से के साथ बात करे वो पूर्वक सुनते हैं और पूर्वक उत्तर देते हैं शब्दों को चुन चुन कर तो यही उनका विशेषता है इस प्रकार से ज्यादातर लोगों को उन्होंने अपने कारों पर लगा दिया है और जिस व्यक्ति अगर ना नहीं कहेगा उसके ऊपर ज्यादा लगाते थे काम उदाहरण के तौर तो पर मिश्रा जी वगैरह कुछ लोगों ने कह दिया <laughs> और यहाँ समदेन जी ने अपना काय वक् चित्त या तन या मन से कार्य करके बहुत सा देन किया है जो लोग कॉन्ट्रेचोल पर नहीं है उन लोगों को संविदा पर संविदा पद पर कार्यरत किया जो लोग कॉन्ट्रेचोल पर है या तो गैस फैकल्टी उदाहरण के तौर तो पर उन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज वन फिर स्टेज टू फिर स्टेज थ्री एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इत्यादि पद पर नियुक्त किया है उदाहरण के तौर तो पर मैं यहाँ साक्षी रूप से उपस्थित हूँ और कार्य करते समय अधिकारों का गुण क्या होना चाहिए वो मैं दो प्रकार से कहता हूँ मोदी जी ने कहा कि अधिकारी लोग रस्सी के ऊपर कैसे चलते हैं उस प्रकार का कार्य करना चाहिए रस्सी के ऊपर चलते समय इस तरफ का दुख दिक्कत उस तरफ गिरेगा दिक्कत मतलब कि रूल और रोल दोनों देखकर कार्य करना चाहिए मतलब कि शाश्वत उचित के बगैर मध्यमक पार करके तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्मचारी लोग हम लोगों ने देखा है हम तो हमने कहा था ना बहुत सालों से यहाँ हूँ कुछ अधिकारी नकारात्मक विचार रख करके रूल्स को कोड करके ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बस नहीं मिलेगा बस में ये भी ठीक नहीं है क्योंकि पद जो कुर्सी पर बैठते हैं उसका मुख्य कारण मुख्य कार्य क्या है दूसरों को फायदा पहुंचाना लेकिन दूसरों का फायदा पहुँचने का मतलब ये नहीं कि रूल को ताक पर रख करके दाया करुणा कर आग मूंद कर साइन करेगा तो खुद फंस जाएगा इसीलिए दोनों को देख करके माध्यात्मा क्या है वो करना चाहिए वो समझे जी ने किया है इसीलिए अभी तक जिन लोगों को कॉन्ट्रिक्चुअल से ले करके तक मिला है उनके कार्य के कारण मिला हुआ है और जिन लोगों के अभी नहीं हुआ है उदाहरण के तौर पर वगैरह में बहुत सा रिक्त स्थान है वो भी भारत सरकार को हम लोगों ने आरआर कब से बेच दिया है दो साल से आरआर आर भारत सरकार द्वारा वापस नहीं बेचा है उसके लिए अलग से एक कॉमिटी बनाया है मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे क्या बोर्ड ऑफ गवर्नर में उसको रख देंगे और अभी अध्यापकों में जो स्टेज वन से असिस्टेंट बोर्ड स्टेज वन से टू और थ्री वाला भी कल ही हो गया था ना तो वो भी बोर्ड मतलब में जा कर के आएगा मतलब कि आजकल की भाषा में कहेगा तो ऐसा कोई मायका लाल नहीं उसको रोक सके मिलना ही मिलना है ठीक है तो ये सब सम जी की ध्यान है इस भाषा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ धन्यवाद अब मैं जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति से अरे छात्र से अध्यापक से प्रोफेसर से जी सर किसी से भी कोई पूछ दे के बताओ इधर पाँच साल के अंदर दस साल के अंदर संस्थान में कौन सा अच्छा उल्लेखनीय विकास हुआ है ठीक है ना उसको एक एक विकास को आप जो है क्या है प्रस्तुत करो मैं समझता हूँ तुरंत उत्तर आप देंगे इसमें कोई दो राह नहीं है तुरंत आप देंगे ध्यान दौड़ाएंगे बुद्धि को विस्फारित करेंगे बुद्धि को क्या करेंगे विस्फारित करेंगे आप देखेंगे तो साहब सबसे उत्तम विषय जो जिसकी पग पग पर आवश्यकता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं कितना आपने दिल्ली वो थैला टांग करके वो दिल्ली जो है कितनी दौड़ लगाई होगी और कितना जा कर के वो क्या होता है सर उसका जो वहाँ से सर्टिफिकेट क्या प्रबंधन जो अरे वो जो संसद में पास होता है सोवारिक्पा का क्या जो वो मिलता है मान्यता सर बताइए आप नहीं बता पा रहे हैं क्या हाँ क्या बात कर रहे हैं <laughs> <laughs> सर वो जो डिग्री का आपने जो सिटी में जो सर लिया था संसद में जिसका पास हुआ था सोवारा का बिल हाँ, बिल हाँ बिल सोवार का बिल जो पास हुआ था वो आपने कराया और इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी तक कोई भी संस्थान में नहीं बनी है जितनी की सोवार की इस समय तैयार आपके सामने फीता काटने के लिए लाल वाला फीता होता है ना एक हरा वाला हाँ वो लाल फीता काटने के लिए समतेन जी ने उसको तैयार करके खड़ा कर दिया है कि आओ बुलाओ समझ ना आइए और बुलाइए किसी बड़ी हस्ती को किसको अरे मोदी जी को बुलाइए किसी क्या आप बात कर रहे हैं इशारा समझिए है, समझदार को इशारा काफी सर हाँ हम हम तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहे हैं सर तो ओ तैयार खड़ी है साहब उसके चलते संस्थान का विकास होगा बोलिए आप संस्थान का नाम चतुर्दिक चारों दिशाओं में लहराएगा फैलेगा जो है और जो हमारे यहाँ हम मरीज आते हैं उनके लिए व्यापक रूप से जो है क्या है निदान की शल्य निदान चिकित्सा की जो है क्या है व्यवस्थाएं होंगी उसके लिए हमने सुना है कितना सर आप जानते होंगे हम तो संख्या भूल जाते हैं सर क्या बताएं थर्टी नाइन पद आए कितने नहीं बता रहे पच्चीस हाँ थर्टी नाइन मैंने सुना था सर हाँ थर्टी नाइन पद जो है सोव रिक्पा में स्वीकृत हो गए हैं इकट्ठे थर्टी नाइन पद किसी को मिलते तो बहुत और ब, और बड़े नए ढंग से उसका निर्माण हुआ है जो बिल्डिंग का है सोवार अंडरग्राउंड मुझे याद है इसी मंच की बात याद है ये बात होगी सर 2004-5 की क्या पोछे साहब ने पदों का सृजन कर दिया अब मैं याद करा दूं आपको सर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में लाइब्रेरी में खूब भरपूर चयन कर दिए खूब किए उन्होंने जिसमें आचार्य जी का भी हुआ है आ, हमारे समतेन जी मूल शास्त्र विभाग में आ, हाँ सर आप मूल शास्त्र विभाग में आचार्य पद पर उसमें हुए थे रिसर्च डिपार्टमेंट से और भी विस्तार हुआ अब उसकी पूरी समझिए समस्या पूरा सर एकदम समझिए घंटा वो जो है आपत्ति का घंटा समतेन जी के ऊपर गिरा आपको नहीं आया होगा समझ में अभी क्या गिरा नहीं आया ना हाँ तो मैं बताता हूं सर आपको याद होगा थोड़ी बहुत कहा यह पद तो मिनिस्ट्री से स्वीकृत नहीं है ये कैसे स्वीकृत होगा इस पर अरे मैडम क्या आप बात करती हैं ग्रांट आ रही है लोग रिटायर्ड तक हो गए हैं और कहा लोग रिटायर्ड तक हो गए हैं लेकिन उन पदों का सेंशन अनुमोदन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से क्या है तो यहीं पर मीटिंग हुई थी तो रिन्पोशी जी ने कहा था समतेन जी के लिए मैं खुद था यहां सभी लोग भरे थे यहीं बैठे हुए थे कहा अरे ये तो जी को पूरा करान उन्होंने कहा आप कोई प्रमोशन नहीं कर सकते हैं पांच साल तक ना कोई रिक्रूटमेंट होगा ना कोई नियुक्ति होगी जब तक कि आप इन पदों की आवश्यकता उपयोगिता कार्य डाटा बना करके हमारे यहां से आप क्या है स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेते हैं पूर्व पदों की तब तक आप आगे कोई न क्या होता है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और या कोई आप नया रिक्रूटमेंट नया सिलेक्शन आप नहीं करेंगे बंद हो गई थी बंद हो गई थी नियुक्तियां पाँच साल तक लगभग तीन आठ साल, साल। देखिए मैं तो कम बताया डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा ना हो जाए लेकिन हाँ आठ साल तक बिल्कुल सही बता रहे मैं डर रहा था कि पाँच ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं हाँ लेकिन सर ने और अच्छा किया तो उसको आठ कर दी आठ साल हुआ आठ साल तक रमेश नेगी जी आपको भी याद होगा कोई नौकरी नहीं हुई थी यहाँ सब लोग हताश हो गए हाँ बैठ गए मक्खी ऐसे जो है सिर पर हाथ रख लिए कि अब क्या होगा पढ़ लिख करके अब तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बंद कर दिया जब तक आचार्य कुलपत महोदय जब तक उसका अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेंगे वहां से पूर्व पदों का जिनकी की पूर्व जो सैन्सन नहीं हुए थे तब आगे जाकर के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आपने बनाया फिर अंततः संघर्ष करते करते आपने मिनिस्ट्री ऑफ आप कल्चर से महोदय सेंसन अनुमोदन उन पदों का प्राप्त कर लिया और बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या से निजात पाई साहब आपने जो है वो दिलाई इसके बाद तब महोदय नियुक्तियां उस समय चालू सर सन सन हमको थोड़ा सा पांच छह था सर अच्छा आठ हाँ दो हज़ार हाँ आठ तक गया था बिल्कुल हाँ वही समय था वही पीरियड था तो उस समय तो बहुत से लोग नहीं थे बाद में आए हैं सर देखिए आप भी बाद में ही आए होंगे जहाँ तक है हाँ। तो ये मतलब तो बड़ा आपने काम किया इसमें कोई है नहीं आ, तो वो वो ऋण जी ने क्या कहा मैं तो यही कहा था सर कि अरे समतन जी वो है क्या ऐसा प्रोफेशनल ऐसा कुछ शब्द बोला यहाँ पर सीधा है समतन जी सीधे हैं जी को वो टेक्निक नहीं आती वो हो जो होती है कैसे लिया मैं होता तो मैं छोड़ देता लो आप करो आप नहीं कर रहे हो हमें नियुक्ति बंद कर रहे हो हमारे पदों का वो तो सम जी सीधे उस प्रकार से समतन जी क्या है वो नहीं कर पाए मैं होता तो मैं कह देता आप संभालिए मैं चला वो ऐसा उन्होंने यहां कहा था समतन जी के लिए और वास्तव तो में समतन जी उस ढंग से सीधे व्यक्ति हैं मैं आप सोच रहा हूँ ज्यादा वो होता है ना जैसे एक क्या कहते हैं राजनीतिक दाव पेच उठा पटक तो सर उससे आप दूर हैं उसका कारण बहुत दर्शन है बौद्ध विद्या है भिक्षु है और शास्त्रों का क्या है अध्ययन है आ, तो वो वो वहाँ लागू हो ही नहीं सकता तो आपने इस प्रकार से संस्थान के सामने महोदय जब जब कोई इस प्रकार की जो है समस्याएं आईं आपत्तियां आईं संकट के बादल मर्राए तो समतेन जी ने अपनी प्रज्ञा के बल पर जो है अपने अनुभव और संयम के बल पर उन बादलों को दूर दूर तक क्या कर दिया उड़ा दिया जो है और बिल्कुल स्वच्छ साफ नील नील गगन जो है सबके सामने क्या है प्रस्तुत किया तो निश्चित रूप से जो है बहुत आपत्तियां बहुत संघर्ष भी आपने झेला अब मैं आगे क्रम में बुलाता हूँ दोर हाँ दोरजे दमदुल साहब को मैं बुलाने जा रहा था बोल कितना गया आइए दोरजे दमदुल जी <laughs> तो आप दोरजे दमदुल जी हमारे सोवार पाके यही संभालेंगे उस पूरी बिल्डिंग को यही संभालें करेंगे सबकी नियुक्तियाँ समझिए यही हमारी क्या है नस देख करके नाड़ी देख करके क्या है हम लोगों को मैडम जो है दवाएं प्रदान करेंगे दवाएं बनवाएंगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आइए आप

रजिस्टर साहब प्रोफेसर उंजू दोचे नेकी जी और अध्यापकगण कर्मचारी गण और छत्र और च्छत, छत्रों सबको नमस्कार आज सबसे पहले चतुर्वती जी ने हमको बुलाया लेकिन जो मैं बोलना चाहता था ये सब चतुर्भदी जी ने बता दिया कोई रह गया नहीं हाँ, हाँ। इसलिए हम हाँ इसलिए हम एक दो शब्द कोई समय बहुत कम है इसलिए मैं एक दो शब्द तिप्ती में बोलना चाहता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा ठीक है ना आज जब हाँ हाँ तीन के था कि लो चुटा नीचा रिंगला था चुटा नीला आकर रिंगला आने देला देने ता रिगता के ऐने थुगे शेगें

Pechun, taa dechun susu sungurwa, ina ina taa pechun samchi shuna, pechun chinchunchi shuwa ina, pena nga ma nga tsu kupchukotan, nyi tong tsu nangla, loo yo marwa. Chuchun nyi tsabshi nana, loo chuchun pechun kekuu, di ma taa wiki marwa. Kongdaa, lobdaa tsu tsu, anya phoqi hostel di chidu karsa, rangchung tangdu chuchun sumu tsu janitor tangiwa, anya taa dii shukdula loo dii kaasa lupi, tanda kaasa, diktaa choki, tabishe tanga zini, taa kandis kandis saangdwa waraa, kaabir kaabir nganzu chi loo dhudu kaala chi loo loo mewa thongdwa, naa tingi yo thongdwa, naa loo yungdwa kaala wewe tingi ito, aa, taa dii taa mihsi hiyo chigi taa, jejei lao ore, पांच मा विद्या से दे रिग्ने छिबो ngai तिने छाय रे त दि नाने रिग्ने छिबो नि कि नाने हिंदा सुसु सुंगे रे रा ngai के तंदा खस खपगु दिला अनि खुजे देजे ता सोरि पमि जि हेरा दिनि रे चचा ngi दिले छिकछिङ इशु मंगु शु मे दुजु मंगु का गरा त पेने छाशना खुजे देजे दो छाशना ngi मा छिकदों गु दिनाले यो 리모 라 아니 탄다 러시아 그 미지요리 개겐데 아니 다나시 아디 가사 탄다 싱수디 우라치요레 루브루요 마레 디리시네 가 캡지 루무지 가 캡지 가 산도 루무지 가 요요레 탄 고츠고레 모스코나 투투요 마레 디 휴데라 니동 게네 제네 모스코나 벳

Yina yang, ane gyawarimbuchigi, ane kundungi, ane kandadanda, ngayadunga rigdaa chowla kalu naa zin, aadik ngoleng koway gugdugusung zin, ane dene, ane karzaa, tanda rigdaa chow, phagibasa, drozo kong'o dhaa, gyagaa ge minachiraa maangpo le ziriz zin. Thama de la, gyagaa shunggu chokchung tsukwa zin, kebet chokchung, chokchung

tā tī tā tī tsōngbīki tā tsānggō tsōnggō pē mōnggō yā rā, tā rē rē nē tū tsōnggō cā nē rē, kā yā tsōnggō shū 아니 bē yā yō mē jō tu bō chirē shā, ā nē tī tsōnggō tā 아니 kē tsōnggō rē, 아니 nē ngē 아니 tsāngmē shā kē yī rā, ā nē tā tō yō tē lā, हमारे इस कार्यक्रम की आयोजन समिति इस कार्यक्रम की आयोजन समिति में के अनन्य सहयोगी हमारे छात्र कल्याण संकाय के दीन जिन्होंने जिनसे हमको बहुत सहयोग मिला प्रबंधन में बैठक में तो मैं जो है गवांग तैनफेल जी को आमंत्रित करता हूं आप आएँ और अपने अनुभव साझा करें और कुछ बताएं हम लोगों को कांगे तुजे ये सोने तावा तुम जे पामे जे तंबे छने तें जे बे खोदम दे ला से लो तदा तिरिंग ता सुलो लो कांदी सुमे अने पद्मश्री गिशे गाव चोदा दिने कुरे अने प्रोफेसर ओंजु दोजि नेगेला चो दिने आरा जुरिक टोंग āni pānti āni sunita chandra chodāṋ ārāṋ suda kiwi shiminyā nāmbāre, tenshiyu guṇḍiyā nāmbāre, tini ā lejñā nāmbādāṋ āni loṋyevā, cāṋmāla tōme cālāṋ ārāṋ rikti kiñcī yuñi cāṋmāla cāṋmṛita shidhile sishyueñi

어디지 tsu ka sa pande rikta tsuki kyangku rumbu chi kuyu ku tsab, sungi sungi tsab, tusi ngang che, marang zuyo tandata gyab che samdru rumbu che re, lobyan nam pa tsue di ka sa di ngang shin, ma chi lam duyen आज की इस सभा के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर गिशे नवा समदेन जी माननीय कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्र जी आ मूल शास्त्र मूल शास्त्र के संगे प्रमुख प्रोफेसर ओंजु दोजी नेगी जी आदरणीय समस्त अध्यापकगण कर्मचारी एवं प्रिय छात्र छात्राओं अब सबका मैं छत्रकल्याण जिन के तौर पर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ आज प्रोफेसर किसी नवासंद जी का सेवा सम्पूर्ति समारोह आयोजित है जैसा कि विदित है परम पवन दल्मा जी के और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ने गहन प्रमाश कर ये संस्थान स्थापित है इस संस्थान के निर्माण के लिए शर्दे सोंग रंबुचे और शरद समदोन भोजन जी के महती भूमिका रही है इस संस्थान के निर्वहन के लिए स्वर्गीय लोकसान नव शास्त्री जी तथा मूल शास्त्र विभाग के अध्यक्ष सामान्य प्रोफेसर ओंगजू नेगी जी ने कुलपति दायित्व का समय निर्वहन किया प्रथा स्मानीय परमपन दल जी शरदे सोंग रोच और शरद समदौन बुचे तीनों ही प्रोफेसर किशन नवांग समझेन आपके गुरु हैं आपने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनमें सबसे अहम यह एह है कि आपने जिस प्रकार अपने तीनों गुरुओं के आज्ञा का पालन कर जिस तरह इस संस्थान का दायित्व व संभाला वो बेहद ही प्रशंसनीय अनुमोदनीय और सौभाग्यवर्धन है ऐसा मैं मानता हूँ आपका ये योगदान विश्व के हित में है और विशेषकर तिब्बती भाषा धर्म संस्कृति वित्तीय धरोहर के रक्षा के लिए अपने अपने गुरुओं के आज्ञा अनुसार इस संस्थान में जो कार्य किया ये सभी उदाहरणीय है अपने व्यक्ति संस्थागत विकास के लिए समाज छात्र छात्रों अध्यापक गण व समाज कर्मचारियों को बारम्बर यथा समय दिशा निर्देश किया पद प्रशस्त किया इसलिए मैं आपको महान पद प्रदर्शक मानता हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि संस्थान परिवार आपका कृतज्ञ रहेगा मुझे भी आपने मेरे शोध कार्य के लिए पुनः मार्ग निर्देशन किया है मैं आपका ऋणी हूँ अपने संस्थान के उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम निर्माण शिक्षा शास्त्र परीक्षा प्रणाली आदि हर क्षेत्र में एक नयापन लाया ये दूसरों के लिए एक मिसल बना है अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुकरणीय बना है इसलिए मैं आपको एक नवीन प्रतिभा उन्मुखी विद्वान मानता हूँ आपका इस योगदान के लिए विश्व विश्व सेवा मानता हूँ आपके एक प्रकार से परम पवन दले लामा जी के का प्रतिनिधित्व व तो वाचिक वा, प्रतिनिधित्व तो वा कर इस संस्थान का और जगत जगतवार उपकार किया है अपने न केवल इस संस्थान में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान किया अब बौद्ध भिक्षु रहे हैं और भूत के वचन अनुसार अब महान त्याग की महासत्व महान धैर्यवान है अपने संस्थान के हित के लिए बड़ा त्याग किया है इसलिए अब महान त्याग की है अपने विशेषकर सभी छात्र छात्राओं को समान दृष्टि से करुणापूर्वक निहारा है अपने आज तक संस्थान के हित व यन के लिए जो कार्य है उसके लिए संस्थान के छात्र छात्राओं की तरह से मैं दिन के तौर आपको कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आज मैं कुलपति घीशे गाँव समझे आपके दीर्घायु सुस्वास्थ्य व सफलता की कामना करता हूँ धन्यवाद बहुत अच्छे प्रशस्त रूप में गौंग तैनफेल जी ने आज माननीय कुलपति जी के विषय में अपने विचार रखे और उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं प्रोफेसर जंपा समतेन जी कम बोलूंगा जिससे कि समय का ध्यान रहे अध्यक्ष पुरातन छात्र संगठन से आग्रह है कि आप भी इसी प्रकार से पुराने अनुभवों को ऐसे पुता नहीं नहीं आ, ये नहीं कहा मैंने आ, ऐसे कुछ पुराने अच्छे अमूल्य अनुभवों को हम लोगों को बताएं जो हमको पता ना हो और आगे इस पीढ़ी को जो है क्या है कोई नई प्रेरणा आपके माध्यम से प्राप्त नई स्फूर्ति जागृत हो जितना आपने काम बोला है उससे काम बोलूँगा मोस्ट रिस्पेक्टेड Uh, Professor samtinji and other distinguished guests and students. Uh, on behalf of all the alumni uh, of Chit Alumni, I sincerely appreciate and thank you for serving this institution for forty years. Among all the among all the alumni who have served this institution for the whole life, there are many. among all of them, you have been the only one who have been uh, served the institute for the longest period of 41 years. and not only that, uh, i had uh, opportunity to be his class fellow so we joined this institute in 1971 and from 1971 until today that is 20, uh, 2023 for the last 51 years professor samsonji uh, pr 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 had been attached to this institution he did not leave this institution not for the reason, or not for, not for being any reason that he had no other places to go, or but he preferred to serve his whole life to this institute. for these two reasons, for this reason, two reasons, I on behalf of all the alumni of CHIT, I sincerely appreciate you, and we all thank you for. Making all of us, the, all the alumni, proud of being able to serve this institution for the longest period. Uh, actually, uh, Professor Samthan Ji became the head of this institution and he possessed all the qualities of being a. a, a, being a uh, vice chancellor, all these things never, it, it didn't happen in, in, a, in, a, in a just one year or two year or like that. I share my school experience. As I said, we both joined this institute in 1971. We were in the same class fellow, being as a class fellow. So he is always in the front line. And most sincere student, I'm always at the back. आई फील प्राउड टू बी ए बैग बिकॉज आई कैन ईजीली स्कीप आउट ऑफ दास सो नॉट ओनली दैट सिंस फ्रॉम जिस स्कूल डेज द हिस वे ऑफ स्पीकिंग इनके जो भाषाशाली शैली है जो शब्दों का चेन है वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस शब्दों में जो शब्दों की चैन और जो बातचीत में जितना गंभीरता होना चाहिए एक विद्वान और एक बड़े शासक के गुण के रूप में जितना जो गुण होना चाहिए वो उसी समय से था इट वॉज अ इन क्वालिटी सिंस दो एंड एंड ऑफकोर्स एस आई सेट वी आर ऑल एंड देन इन एस स्टेल सेट We have to wake up in the early in the morning, around 3:30 or 4. Sometimes, depending on your class. If you are in the PM first, you have to wake up at 4 o'clock in the morning, and you have to take a bus and to go to the Sanskrit unit to take the class. Because, and then we get back to Sarnath by 1 o'clock or 2 o'clock, depending on your class. So, normally, in those days, what the all the students, what they do is they came back to their respective uh, hostels by 2 o'clock, 1 o'clock, and then they take their lunch and then they take a rest. and after three, most of the students, especially those uh, 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 diligent students, i would say, they would go to uh, take a private lesson and stuff like that. but people like us, we are always on the mahabodhi football ground. <laughs> so we were there so i never found him uh, his presence in the football is almost absent i don't most of the time he is busy with his uh, books and having a special lectures with the uh, special lectures or uh, uh, tutorial class so this what i mean to say is the quality of being a great scholar and quality of being became becoming a, a leadership like a vice chancellor and who could lead this institution. It was not a certainly or just not came. It was inbuilt qualities. So with these qualities, he have he chose to stay with this in Sarnath. He chose to give all his lifelong service to this institution, and he did that. He did that, and what the contributions he had offered for the uh, success of this university, I'm not going to repeat it because all the uh, speakers, many of them, have been said, and the others will do the same thing. But simply, I am here, just standing here to share these few the school time experiences the qualities he owe the qualities he own from his childhood and it is these qualities with these qualities now we see him as a uh, we see he, he joined he offered his service in 1982 and for 82 to 2001 for almost 20 years, First 20 years, he served as a research scholar, and his full devotion and his contribution is towards the research and academic works. And then 2001, unwillingly, I would say unwillingly, because he himself also said, said on several occasions, because for uh, academicians who have spent 20 years in the academics, uh, serious research and serious work, to take uh, administrative work, complicated administrative work, such as vice chancellor, is not good. It's. I think people will surely think twice. But I think he thought more than twice. But at the end, because of the His Holiness and as uh, advice, so he finally he taken this job and he made it successful with all this work and with all your contribution to work. i, as a, your class fellow, and on behalf of all my uh, other class fellows and all the alumni, we really appreciate you and thank you for uh, contributing your life, for uh, giving your lifelong service to this institute. thank you very much. प्रशासनिक अधिकारियों का जब पूर्ण सहयोग कुलपति को प्राप्त होता है मित्रों अनुकूल परिस्थितियों में समुचित वातावरण में तो बहुत अच्छे ढंग से जो है किसी भी संस्थान की उन्नति या की दौड़ हाँ तेज हो जाती है और, और संस्थान प्रोन्नत होने लगता है इसमें कोई राय नहीं तो ये तो भली भांति बिदती ही है हम सभी लोगों को ठीक से कि हमारे आचार्य प्रवर सम्माननीय समतेन जी के साथ पूर्ण रूप से जब जब आपने बुलाया जब जब आपने कोई अपेक्षा की तो वो 2019 हजार से अपने पद को संभाल करके उन्होंने सहयोग किया इतना ही नहीं जब कुलसचिव जी सेवानिवृत्त हो गए पूर्व कुलसचिव सेवानिवृत्त हुए तब से उन्होंने प्रभारी के रूप में खूब अच्छा खासा सहयोग प्रदान किया बड़े विनम्र मधुर स्वभाव अपने विषय के एकदम स्पेशलिस्ट विद्वान अब मैं उपकुल सचिव और पूर्व कुल सचिव प्रभारी डॉक्टर हिमांशु पांडे जी को मैं मंच पर जो है आमंत्रित करता हूँ आप आए कुछ अपने अच्छे अनुभवों से हम लोगों को लाभान्वित करें आए के च विभाति बूधर शुता देवापा मस्त के भाल बाल चगरलम यशोर शिवलाल शिवलालराट शोयम भूति विभूषण शुरर शर्वाधिप शर्वदा शर्व स्वर्गत शिव शशनिप श्री शंकर पातुमा बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से और भगवान बुद्ध की धरती से मैं सर्वप्रथम मंच पर आसीन मनीषियों को प्रणाम करता हूँ यहाँ पे उपस्थित भिक्षुगण अधिकारीगण शिक्षकगण छात्र एवं छात्राओं सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर डीडी चतुर्वेदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए कि इस माहौल को भावुक नहीं होने दे रहे हैं वो अपने वक्तव्य से सबको हंसाते रह रहे हैं गुदगुदाते रह रहे हैं तो इस पल को भावुक क्षण नहीं होने दे रहे हैं उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ तक हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर नवांग समतें सर की बात है तो उनके सानिध्य में मैं 2019 जून को जब ज्वाइन किया इस इंस्टीट्यूट में तो कुछ ऐसे ऐसे क्षण हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जब मैं ज्वाइन किया तो उसके एक महीने बाद ही हम लोग दो गांव गोद लिए थे पास के तो वहाँ जाना था हमें सुबह फ़ोन आया वी ऑफिस से कि अगर आप चलना चाहें तो हम लोग कुछ गाँव गोद लिए हैं वहाँ पर जाके कुछ वितरण करना है और वी साहब भी रहेंगे तो एक आ, मिनी बस खड़ी थी गेट नंबर एक के पास और हम बैठ गए उसमें आके और उसमें सभी लोग बैठे थे शिक्षक थे एमटीएस लोग थे सब लोग थे मैं आगे बैठा था तो मेरे बगल में एक शिक्षक कोई आके बैठना चाहे तो एक महोदय ने उनको रोका कि सर आप अभी पीछे चल जाइए यहाँ पे वीसी साहब बैठेंगे तो मैं आश्चर्यचकित हुआ मैंने उनसे पूछा कि वी साहब इस गाड़ी में बैठेंगे इधर वो तो उनके पास अपनी गाड़ी होगी सिक्योरिटी होगी और ऐसा कुछ क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वी साहब बैठेंगे और वी साहब मेरे बगल में आके बैठ गए बहुत सरलता से बहुत सहजता से और उन्होंने सहज किया हमें रास्ते में बारे में पूछते गए क्या किया कैसे किया क्योंकि मैं नया नया ज्वाइन किया था तो लगा कि यहाँ का जो ये इंस्टीट्यूट है ये डिफरेंट तो है पर इस मामले में हमारे वीसी साहब का भी योगदान है कि वो खुद बहुत सरल हैं और कोई भी आडंबर, कोई भी सिक्योरिटी गाड़ी साइरन ऐसा कुछ नहीं था तो ये एक बड़ा अच्छा क्षण मुझे लगा था दूसरा सर के विषय में अगर बोलना है कि वो हर चीज़ कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको कैजुअल नहीं करते हैं वो अपने को डिवोट कर लेते तो उसमें एकदम अंदर चले जाते हैं अभी जब कोरोना काल चला तो उस कोरोना काल में भी था कि हमारे कुछ हम लोग ने दो तीन अपने फैकल्टी मेंबर को खोया पर इसलिए नहीं खोया कि उनके साथ चिकित्सा में कुछ कमी हो रह गई उन लोगों ने खुद छुपा लिया अपने को और कमरे में बंद हो गया उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला पर जैसे ही ये पता चला कि हमारे संस्थान में छात्र छात्राओं सबको इस कोविड का इन्फेक्शन हुआ है वी साहब ने तुरंत ही त्वरित एक्शन में आ गए और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें डॉक्टर्स थे बाहर के डॉक्टर्स थे हम लोग के जो कंसल्टेंट डॉक्टर थे वो थे वी साहब खुद थे मैं खुद था उसमें तो आश्चर्य होता होगा कि सुबह पाँच छः बजे से उठ के नर्सेस के साथ सबको व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ले लेना और एक एक अध्यापक का जो बीमार थे एक एक स्टूडेंट का जो बीमार थे उनका हालचाल लेना वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ आरटीपीसीआर हो रही है कि नहीं हो रही है और तुरंत ही एपी गेस्ट हाउस को कोविड सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश कर देना क्योंकि बाहर बी की बात करें या जो भी डेडिकेटेड थे कोविड हॉस्पिटल दीनदयाल वहाँ पर बेड की उपलब्धता नहीं हो रही थी और उस उपलब्धता ना होने के कारण हम लोग ने अपने एक कर्मचारी के जान भी गंवानी पड़ी थी उस चीज़ को देखते हुए सर तुरंत एक्शन में आके कहें कि हम लोग क्यों बाहर भेजेंगे और बाहर बड़ी दिक्कत हो रही है तो हम लोग खुद ही अपने सेंटर को इस्टैब्लिश करते हैं इस्टैब्लिश किया ऑक्सीजन सिलेंडर बाईपैप मशीन दो नर्सेस को छत्तीसगढ़ से और कहाँ कहाँ से बुला के इक्विप्ड कर दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो हमारे बच्चों को हमारे शिक्षक को कोई भी हो कर्मचारी उसको दिक्कत ना हो ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे आना है और सुबह छः बजे से जब ये होता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो तीन तीन घंटा ढाई ढाई घंटा नर्सेज जाके एक से बात कराती थी और फिर आधा एक घंटे बाद फिर कॉल आ जाता था नौ बजे नौ से ग्यारह तक फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिर एक बजे से फिर शुरू तो मुझे लगता था सर ये बीच में एक डेढ़ घंटा गैप ले लेते होंगे अपने को रेस्ट करते होंगे पर बाद में पता चला नहीं इस जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे इनसे बात करने के बाद भी इंडिविजुअल सबसे बात करते थे उस दौरान तो उनका जो इन्वॉलमेंट था इस चीज़ को लेके एक बुद्धिस्ट के प्रोफेसर होते हुए मेडिकल साइंस की का ज्ञान थोड़ा बहुत रखना उसमें इन्वॉल्व होना सोचना समझना क्या होना चाहिए कैसे करना चाहिए यह एक बड़ा अद्भुत हमें एक्सपीरियंस रहा सर के साथ निश्चित रूप से ऐसे कई छोटे छोटे अनुभव बहुत हैं जो अभी नैक की आई टीम खुद बताएगी कि नैक के दौरान कैसे तैयारी की तो मुझे लगता है कि सर की ये जो सर्विसेज थे अभी साइंस का स्टूडेंट विद्यार्थी होती है हम लोग ने थ्री सुना था वन डी टू वन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल और थ्री डायमेंशनल थिंग पर सर के साथ हमें फोर डी का अनुभव हुआ और सर की सर्विस हमें लगता है कि डायरेक्शन डिवोशन डिसिप्लिन और डिप्लोमेसी के लिए याद की जाएगी सर का निर्देशन सर का डिसिप्लिन हर एक क्षेत्र में एक अद्भुत था और वो डिसिप्लिन रहते थे अपने कार्यों को लेके, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके, अपने दिनचर्या को लेके कभी अभी सर कुछ पहले जो था वो फूड uh, uh, जो मिल्क प्रोडक्ट से अवॉइड करते थे तो कभी मिल्क प्रोडक्ट आ भी जाता था सब लोग के सामने या सर के पास तो उसको मना कर देते थे कि नहीं मैं अभी इस पे चल रहा हूँ मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं लूँगा तो उनके जीवन से डिसिप्लिन भी बहुत था और डिप्लोमेसी तो थी ही निश्चित रूप से मानना पड़ेगा तो इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं सर आपके आगे वाले भविष्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य हो आप आ, 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 अपने आगे वाले जीवन यात्रा में भी निश्चित रूप से आपने प्लान किया होगा क्योंकि आप बिना प्लान के तो नहीं रहे होंगे आगे भी आपने कुछ सोचा होगा कि हमें और क्या करना है समाज को और क्या देना है तो उन सभी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद सर अब मैं डॉक्टर रमेश चंद्र नेगी जी आए पधारें कु कोष विभाग और करयुत संप्रदाय के मनीषी बा सब संस्थान के बाहर भी संस्थान की ओर से अनेक धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक सभाओं में आप योगदान देते हैं यहाँ हमारे जो अधिकारीगण हैं इनको भेजते हैं कि आप संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाइए और आप व्याख्यान करिए तो तुरंत दौड़े हुए चले जाते हैं ऐसे हमारे नेगी जी आपके सामने हैं और अपना अनुभव आपके सामने रखेंगे डॉक्टर रमेश चंद नेगी जी नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बन्दस आज ये विदाई का समारोह है और बातें प्रोफेसर समतेन जी के बारे में बहुत कुछ हुई हैं और जो लोग उनसे मिले हैं निश्चित रूप से उनका अपना अपना अनुभव होगा और मैं भी थोड़ा सा पुराना समरण कर लेता हूँ मैं सेवेंटी एट में, में यहाँ पहुँचा था और आ, 78 एट में आप लोग जो है शायद शास्त्री से ऊपर में थे आ, तो शुरू से ही हालांकि मैं जूनियर था मध्यमा में पढ़ रहा था तो ये संस्कृत की वजह से सीनियर लोगों से मेरा मिलन हो गया क्योंकि जब ये लोग शायद शास्त्री वगैरह में पढ़ते थे तो हालांकि हम लोगों के यहाँ संस्कृत कंपल्सरी है लेकिन उस संस्कृत को अच्छी तरह वो करने के लिए शायद समतेन जी थे और शास्त्री जी थे और भी कुछ लोग थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को अच्छे पढ़ने के लिए आ, प्रोफेसर रामचंदर त्रिपाठी जी से एक्स्ट्रा क्लासेस ये लोग ले रहे थे तो क्योंकि मेरा भी चाहे वो सौभाग्य हो या बदकिस्मती हो मैंने हिमाचल से हिमाचल बोर्ड से जो है सेवेंटी सेवन में मैट्रिक परीक्षा पास किया था और मैं साइंस का छात्र रहा और हमारे यहाँ साइंस वाले जो है संस्कृत छोड़ देते हैं वो ड्राइंग पढ़ते हैं क्योंकि ये साइंस में बहुत ज़्यादा वो आपका ड्राफ्ट या फिर कुछ कर लिखना पड़ता है तो मैं नहीं ले पाया मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं बाद में जो है साइंस से मुड़कर जो है फिलोसफी में आ जाऊँगा लेकिन उसका यहाँ खामियाजा ना भुगना पड़ा क्योंकि अगर वहाँ मैं संस्कृत ले लिया होता छठी से दसवीं तक तो मैं थोड़ा और अच्छा होता लेकिन यहाँ आया तो क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत तत्पर थे इन लोगों ने हम लोगों को जो है संस्कृत में आने का जो है प्रेरणा दी तो इसके लिए मैं समतेन जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और फिर जब भी हम मिलते थे तो हालांकि मैं बहुत जूनियर था तो जी का मुझे याद है जब हम लोग इस हॉस्टल में आए थे तो आप लोग रजिस्ट्रेन में शायद आप लोगों का हो गया था और जब भी हम लोग छत पर मिलते थे तो हालांकि हमें मैं बहुत जूनियर होने से बहुत ज़्यादा वो नहीं है लेकिन आप हर समय हम लोगों को आगे बनने के लिए प्रेरणा देते थे ख़ास करके जो संस्कृत और जो आपका जो बौद्ध बौद्ध दर्शन है उसमें जो हम लोगों की जो लौतावा परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो उसी में मैं भी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ पाया हालांकि जितना होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया और जैसे ही मैं रेगले ट्रेनिंग में अंतिम बेच में, में, में रेगलेस ट्रेनिंग में हम लोग तो तीन छात्र थे तो ये क्या कहते हैं रिंग जी और मैं और एक गजिंगमा के छात्र थे तो हम लोग तीन थे जो संस्कृत के प्रति डेडिकेशन से हम लोग आए थे क्योंकि एक समय था जब रिम्बोजी जी ने ये कहा था कि यहाँ पर जो लोग संस्कृत और ये रेस्टोरेशन और ट्रांसलेशन का काम करेंगे तो वो लोग वही लोग आएंगे जो आर्थिक मतलब के धन के प्रति आसक्त नहीं है हम लोग आप लोगों को खाने मात्र के लिए हम लोग प्रबंध कर सकते हैं लेकिन पद और उसके लिए कोई ऐसा है तो आप लोगों को नहीं आना है तो हम लोग समर्पित होकर आए और मैं लास्ट वेज था और उसमें भी जैसे ही निकला तो नौकरी भी मिल गई <laughs> तुरंत जो है और हमारे गुरुजी जी चतुर्वेदी जी को हम लोगों से पहले ही आप हो गए थे हालांकि हम लोग एक कमरे में बैठे हैं और आ, ये प्रोफेसर रामजीत सिंह हैं हम लोग चार लोग एक में बैठे थे हाँ, सीनियर थे लेकिन कमरा एक था <laughs> जी 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 नहीं शुरू में एक बार वो उस तब तो आप लोग यहाँ थे ना यहाँ आए तो यहाँ आए तो हम लोग साथ थे मुझे ऐसा याद है ये आपका जो क्या कहते हैं पब्लिकेशन के बगल में एक बना था उस समय पूरा और नहीं था तो उसी में हम लोग थे तो जो भी है तो फिर उन्हीं के अंडर में मैंने काम किया क्योंकि रेस्टोरेशन में शुरुआत में जो रिसर्च डिपार्टमेंट था वो सब उसका अलग अलग विभाग नहीं थे तो रेजिस्ट्रेशन ही हुआ करता था और रजिस्ट्रेशन में समथिंग जी हम लोग के हेड थे और मैं सात साल आपके अंडर में काम किया और हम लोग आपसे प्रेरित होते रहे और कार्य भी किए और सामूहिक कार्य भी होते थे और व्यक्तिगत कार्य भी होते थे और इस प्रकार जो है फिर 96 में मैं वहाँ से जो है फिर टीचिंग में चले आया और टीचिंग में आने के बाद भी आप लोगों की कृपा से मैंने रिसर्च जो है छोड़ा नहीं यहाँ तक कि अभी मैं जो आपका जो कोष विभाग संभाल रहा हूँ उसमें भी आपकी ही कृपा है यहाँ से जो आपके पार्लियामेंट के लिए जो भेजा गया था ये क्या कहते हैं आयुर्वेद का जो सिलेबस जिसका अनुवाद हुआ उसको जो है आपने किसी दूसरे ने किया था तो मुझे आ, उसको चेकिंग के लिए दिया लेकिन चेकिंग जो है शुरुआत में तो ये कहा गया कि ये तीन घंटे में होगा लेकिन वो आठ महीने लगे तो उसको जो है पूरा करके तो उसी से जब हमारे उसमें बहुत अच्छा हो गया बाद में उसको हमारे प्रोफेसर मिश्रा जी ने चेक किया था तो चेक करके जो है बहुत अच्छा हुआ था तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था हालांकि मैं हमारे साथ जो अनुवाद कर रहे थे तो मैं लगभग इन लोगों के जो एम किए छात्र हैं आयुर्वेद में तो उसमें कम से कम चार या पांच छात्र को मैंने बदला था क्योंकि मेरे को वो अनुवा वो बता नहीं पा रहे थे क्योंकि जब तक क्यों मैं उस विषय का नहीं हूँ मैं फिलोसफी का हूँ तो ऐसा करके वो हुआ तो उसके बाद जब हमारे नेगी जी का देवसान हो गया तो उसमें फिर आपने ही बुला कर मुझे कहा कि आपको जो है क्योंकि वो आयुर्वेद वाला ही था आपके आयुर्वेद में जो अष्टांग हृदय है उसी पर जो है ये आपका कोष बन रहा था तो आपने हालांकि मुझे बहुत डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपने साहस दिया मुझे उसको करने के लिए आपने प्रेरित किया और आज वो जो है प्रेस में जा चुका है तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है और मुझे एक नया जो आ, क्या कहते हैं फिलोसफी पढ़ते रहता हूँ लेकिन उसके साथ थोड़ा सा आनंद कहें या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से अलग विषय होने पर हम लोगों का मन बना रहता है तो ये सब आपके ही कृपा से हुआ है और आपने हर समय हम लोग हिमाचल में तीन तीन वर्कशॉप करे किए थे हालांकि और भी करना चाह रहे थे तो वो मेरे ही आ, क्या कहेंगे व्यस्तता के कारण मैंने जा पाए लेकिन आपने हर समय प्रेरित किया है आप लोग जाके वहाँ जो है जो हमारे विश्वविद्यालय के जो एम्स हैं और विश्वविद्यालय के लक्ष्य के अनुरूप हम लोग कुछ करें तो निश्चित रूप से हम लोगों को हर समय जो है हमारे हिमाचल बौद्ध छात्र संघ के सहायता से जो है हम लोग वर्कशॉप किए और लोगों की वो प्रशंसा भी प्राप्त हुआ आपको एक बार आप हम किन्नौर में भी आए एक वर्कशॉप में और दो तो तीन दिन रहे थे तो जो भी है तो इस संस्थान में अभी तक जो बहुत कुछ बातें हुई है और हम लोग जो देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से बहुत कुछ जो अभी बदला है ख़ास करके आपका ज्योतिष है फिर आपका जो आयुर्वेद है वो तो देख ही रहे हैं कितना बड़ा ही रहा है तो वो केवल हम लोगों के लिए नहीं सारे विषयों के लिए और ख़ास करके जो हम लोगों के समाज के लिए ये सब बहुत आवश्यक है और वो आपके कामों को हम लोग याद करते रहेंगे और लोग भी याद करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे निश्चित रूप से अपने जो शिक्षा से शैक्षणिक बातों को ही आप आगे बढ़ाएंगे और तिब्बती जो क्या कहते हैं संस्कृति हैं और बहुत बहुत धर्म है उसके प्रति आप समर्पित रहेंगे और आपकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे इसी की कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कोष विभाग से संबंधित बातें और अपने अनुभव और योजनाओं से संबद्ध अनेक बातों को आपने साझा किया बताया उन पुरानी बातों को हम लोगों के सामने रखा रमेश नेगी जी अब समय ज़्यादा हो रहा है तो कुछ कार्यक्रम अभी लंबा है इसमें कोई दो राह नहीं है तो मैं कहूँगा कि धैर्य बनाए रखें धैर्य धना ही साधवा तो अब मैं डॉक्टर लकपा छेरिंग जी तिब्बती भाषा विभाग अध्यक्ष तिब्बती भाषा एवं साहित्य विभाग को आमंत्रित कर रहा हूँ आप भी अपने विचारों को रखें लकपा छेरिंग जी तेतने के

chik titangidu, tindasunsa nyingdui kaxie shubi yin. Tachidang anzu laga karguiwa ine laga tiliya sumi yungudwa, konee chila gui suna, ane konee di pa kharasade, ngema di kahaan cheba tagarang muti ni kiongde ya chikche. Tine di gangla sartu nga nambache ni yarge tanga ya chikche, ane di mambache ni shembaate ta nambazu kiya yin uruwa. Tukche na chik suyo shawa dii gangla, anii nanzui nanda gengi xingwao samdii laagi, ta namba zui sisi sivrii zinghyon yini ri, anii shiri yinba yini ri, ta kanda chog hangjii teni ta kanda gyedi yori, yangla mangpo gyachinpo ma, mabadumzu gyachinpo cha yori, dyubudumzu gyachin yori, ngaar mababangbo chi, anii kharsudaya sabadzu

그 pechin pechin da gergi mi teplon ngen yu gire, ineke ngan zuyo la teke tete che peke, zengion ke tete che ne, lop zene suwebe nang le ya, gecha ma ngu xiu chi xie yu bati, ta tanda xine nyam xip chi gen re, tanda yin xin pe lup nga 저기 zuyo 통주일에 nyamnyo 냠도 tong 토네 re, tingye 양탁 nyamdo 토네 지게 ne peti lamdo yang thakwa nangbe to 녜메 chige ajariye ka sugo re, lobchen tingge saba zu, suyo tuba inpa song zang. Ngeme ngang zuyo ringne jangkhaan zuyo ki samuyo la pita map snante stikima re, ta mimie sosio cha zi gang liya nyam chi chebe kaabla, chi loo tiwa ngan zui ngen ma labde ki gen la juu, gen la juu, cha tang ki nje gebu shirariya. An ki lang kharii gang la ri ji gang zin chi gui waa sunggu duu, an ni ngayi cha zi gang chi gui, cha zi gang khari

Câabu! Cik lighe yina, ci 망아 tuperra 삼사르 League 렌츠 samfar czego odya razorê. worries and Makar ini, licita takda kada kemini beti bente tam sadeceở xongsa carkewa tamke karos. Cik chex вашas cha che xomda yukwe si ㅋㅋㅋ jawxab anything gire sigyo Eckaw. Tatdi beti musimqvasac Olympics nchibw подобri 좀디 tē 잠보 jiāmbu shīhu che tānda ngā rā ya pōpa che nā ngā rā ya zindē na lē tēnda rā ngā lōg wē tūndī ke che kē rēs, tsik tsūbu ma lōbs, jiāmbu lōbs che tā khantē che nsī na ngā rā nā tsū 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 pū lā tū yī kū nē rā ngā kī miñ tōwa tā ka ndā rōwa, lē ka Ti mātō tīki tī yāgāyān ra mīnduwa, mātō samgō yō rā kāp tī yā tāchū chānā sañi nī yāgō chāgirā sañi, kāp tī kāng bhajō lē tāgā rāng shī yō rā, mātō nī bā kāng yō bā tī bhajō lē yō 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 tū tūni, jī tō nāng lā sīng chā rū rō yā tā, gē 텐데 토리아 땅 ngare di khas de zom show nge ma ti be kan la championship be kan la tende ra re pena kheba tu se me da yan je ne pena nge thong ka lo san ti le la no ne da jo thong ka lo san ti le sa jo jo thong ka lo san ti le sa de love sa re da ten so khushi ab go re slap che kadi ne tende yan je ne che la ngo sho la ད་ཏ་དེ་ངེ་ངེ་བན་་ཅེ་ཏུམ་ལས་སི་ཀྱུ་ན་ཡ་དེ་བ་ཉི་མོ་ཐ་ཞོ་ཁུན་ཡོ་མར་ང་རང་ལས་ཡོ་མར་གེ་ལ་ཡོ་མར་ ཆོ་ཚུན་དུམ་བེ་ཅེས་ན་གུ་བོ་ཅུ་བོ་ཕ་དུང་གོར་གེ་སམ་སམ་ལ་པད་ཏེ་དུམ་བེ་ཁི་ལོ་ལྥེ་བེ་ག་ལ་སྐྱོ་གོ་ཤོ་ཁ་ན་ཤོ་མོ་རན་ང་ཤོ་ཨ་སལ་མ <lightweight> <coughs> Shibuchi yako cheche tala thandayaka la nga raa bukutsu 체고래 yaako 체고래 tumbo chekore, nyamchoon chekore, cik 마데 thi mate, 마데 yaa thi mate, cik zubu thi mate, lab thubyate nga raa ngeshe nyevato nye mele laguyo mato, yaa soswege chobade tsuu shaa, pocholo ka devuchi ni shekme, di nga raa ngele yaa ta kanda kharsu ore, chi khala khan zamchige gyo wa thep so sampa 디네 겔라타 테지 고토 고티발레 송게 송스 케주 찍려 땅에로 지 간제지 키니 칭바 이네 다가르시 겔라 호란레 땅에 겔라 겔라 쇼쇼고 가슬라 가레 디로아 피에스티 쳇사다 딩게 임보송사 간제지 비제 레라보 쉬우스 난그레 빠땡 안주 다 네거티비티 다 포지티비티 저라 겔라 호란 레고나라 포지티비티 기켕데 오르마다 네거티비티 디 맹에로 ān tīne sīktāṅ ādi ā, nāṅ jī kāntu ā optimistik tā, pessimistik lā kīr wā, tī nā nā, tā sāṅchō tā, rēwā tā, tā āshā wā tī sī kīr wā, tī shīvā jī yā rē, thāṅ kūshyā nā. āñchū lāṅsāṅ tēs tī bā chīk dīg mīntū, lūtū rāṅchū 이내 파겔 게라 샤욘 백업다 디디도 땅 땡게 뱃코란 티 독조 쳇다 간수 섬당다 너리 임바다 쿠 양보진의 땅네 상도 쿠 양스진의 땅 밀라 따따데 야호진의 따 상조네 따 레웨촌의 따 용데 뱃티 코라 조스테진데 딘데게 서로와 쉬우스도 다 딩고네 타네 니야 따다딜라 타가스 따 메중게 지기 여러와 딘데 떼러 따야 쳇다 따야 줘라 딘데 큐네 쉬고메 어

तो मैंने जो अभी जो भी कहा वो एक संक्षेप में क्योंकि समय का अभाव को देखते दे हुए तो मैंने यहाँ पर हमारे भूतपूर्व निदेशक एस रेम्बो दो बार पिछले दो बार आया था और हम हमारे यहाँ का भूतपूर्व छात्रों को आ, एक, 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 एक वो मार्गदर्शन दिया था उस समय रेम्बो जी ने कहा कि अब इस संस्थान में हम एक ये जॉब का क्या कहते जॉब को स्कॉप रख के जॉब मिलने के लिए काम नहीं कर रहा यहाँ एक अच्छा प्राणी अच्छा व्यक्ति को है ना यहाँ से बना बनाने के लिए ये हमारे मेन जो वो है उद्देश्य जो है ये है, है। इसीलिए आप अभी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन नामक का जो कलयुग कलयुग जो है इस समय यहाँ नहीं सब पूरा इस विश्व में स्थिति अच्छा नहीं है इसलिए जहाँ भी हम लोग जाए उस समाज में एक प्रकाश डालने वाला एक मग मर्द, मार्गदर्शन बनाने वाला एक अच्छे ए, वो लोगों को अच्छे गाइड कर सकने वाला ऐसे क्या कहते हैं काम करना चाहिए ऐसे कहता इसी प्रकार हमारे गुरु जी भी गुरु जी के जब भी हम समस्या लेके जब ऑफिस में जाते हैं हम जब बाहर से नेगेटिविटी से भर के जाते हैं लेकिन वहाँ पूरा पॉजिटिविटी मिलता है वहाँ से हम जब जाते हैं तो और गुरु जी जब समदेन जी हमारे गुरु जी का मतलब समझेंगे जी क्योंकि मेरा पी एच डी का गाइड रहा था इसलिए मेरे मुँह से गुरु जी ही निकलते हैं <laughs> तो और हमेशा किसी को भी चाहे छात्रों के बारे में हो चाहे किसी का काम के बारे में हो गुरु जी हमारा हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक और पैसमिस्टिक होता है ना वो वाला है वाला है बहुत अच्छे से लोगों को अच्छे के लिए सोचता है तो उससे हम लोग को एकदम हल्का महसूस हो जाते है और इस सांसद का जो तलाई लामा जी का विशन के है उद्देश्य के है और हमारे क्षमता के है ये अभी इस बीस साल में हम लोग को जो समझाया मार्गदर्शन दिया तो मैं कहना ये अंतिम में मैंने ये कहा कि बुधपूर्व एस चम्बोच्चे जी और अभी प्रोफेसर घर गौ सम जी दोनों का जो मार्गदर्शन है उसी का अनुकरण करने का यादाशक्ति हम लोग क्या कहते के, हैं अनुकरण करने का अभ्यास करना चाहिए मैं खुद यही करने का एक छोटा सा प्रतिज्ञा ले रहा हूँ यह गंगापुत्र के प्रतिज्ञा से सब नहीं है तब भी <laughs> <laughs> क्योंकि पुरुष मानता हूँ महापुरुष मानता हूँ महापुरुष को ज़्यादा स्तुति का उसका वो रुचि नहीं है उसका का वो नहीं होता उसका जो महचा होता है वो उसका जो दिखाता हुआ मार्ग पर जाने वाला उसके क्या कहते हैं उसका वचन को पालन करने वाला आवश्यकता होता है इसलिए हम लोग सब मिलकर उसी रास्ता में जाना चाहिए और लोगों का भलाई के लिए काम करना चाहिए इतना मैंने कहा था थैंक यू वेरी मच ये तो आप जानते ही हैं कि धर्म दर्शन वेदांत विषय की अपेक्षा लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो होता है वो बड़ा सरस होता है वक्तव्य भी आ, क्या है कुछ जोरदार होता है और बहुत सारे विषयों को बांध लेती है लैंग्वेज में लैंग्वेज की बड़ी विशेषता होती है तो हमारे लखपा छेरंग जी ने इसी प्रकार से जो है क्या है आपके विषय में आ, अपने अनुभव रखे अपनी श्रद्धा भक्ति से वो उसको जो है प्रस्तुत किया आपके योगदान को अच्छे ढंग से पुरानी बातों को सबके सामने जो है रखा और अच्छा वक्तव्य दिया अब अब इस क्रम में मैं डॉक्टर सुचिता शर्मा जी तिब्बती पारंपरिक चित्रकला विभाग अध्यक्ष को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ आप कलात्मक ढंग से आचार्य जी के योगदान को आचार्य जी के प्रशंसनीय योगदान को आप कलात्मक ढंग से रखने में निश्चित रूप से जो है महारत हासिल हैं और प्रस्तुत करें आप अपनी धन्यवाद गुरु जी श्री कृष्णाए नमः परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रोफेसर गेशे नवा सामतेन जी हमारे कुलपति जी परम श्रद्धेय प्रोफेसर नेगी जी और आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी एवं सभा में उपस्थित सभी विद्युतजन और छात्र छात्राएं कर्मचारीगण इस संस्थान में फाइन आर्ट्स जो शुरू हुआ जिस एक औपचारिक तरीके से जो शुरू हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था लेकिन मेरा यहाँ पर आने का संयोग 2005 और 6 से हुआ 2005 का लास्ट एंड था वो दिसंबर था जनवरी यहाँ एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें परम पावन दलाई लामा जी को आना था और मैं चूंकि फोटोग्राफी भी करती हूँ तो मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे लद्दाख के रिलीजियस लैंडस्केप थे वो मैंने यहाँ आई और एक प्रपोज़ल दिया सर को एक बताया गुरु जी को कि इस तरीके से एक आइडिया है आपके यहाँ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें एक माहौल बनाया जा सकता है एक इन्वायरमेंट तैयार किया जा सकता है अगर ये एग्जीबिशन फ़ोटोग्राफ़ी की यहाँ हो तो गुरुजी इतने सरल और सहज रूप उनका मुझे दिखाई दिया उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और इस अतिशा हॉल के ऊपर एक गैलरी आपको दिखाई देती है वो अब रूप उसका बदला हुआ है इस समय लेकिन वो एक गैलरी उसी समय तैयार हुई यहाँ उस फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए और पूरा ब्रोशर और इन इनविटेशन लेटर्स वो सभी यहाँ आपके सहयोग से बने और उसका उस एग्जीबिशन का इनाग्रेशन भी परम पावन दलाई लामा जी ने किया उसके बाद शुरुआत होती है 2008 में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट बनने की जहां मुझे ये सौभाग्य मिला पढ़ाने का वो रिसर्च हॉस्टल के कॉर्नर के दो कमरे जहां से ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ एक कमरे में वुड क्राफ्ट था और एक कमरे में थंका पेंटिंग लेकिन आज हमारे पास तेरह चौदह कमरे हैं बड़े बड़े हॉल हैं हमारे पास वो पांच छात्रों से हमारे डिपार्टमेंट शुरू हुआ था और आज 28 है और आगे अभी एंट्रेंस देने वालों की संख्या हमारे पास करीबन पंद्रह है आगामी जुलाई में इसी तरीके से यूएम फर्स्ट ईयर से शुरू हुई फाइन आर्ट्स की यात्रा एमए, एमफिल होते हुए पीएचडी तक आ गई इस छोटे से पीरियड में हालांकि हम दो साल लेट रहे हैं वो शायद मेरी भी कमी थी और हम लोगों की मिलकर एक कमी थी इस दौरान इस पूरी यात्रा में आपका एक दूरगामी दूरदर्शी सरल सहज जो निर्देशन प्राप्त हुआ मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि उस तरह से मिलना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल और आपके जो सपने हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर मुझे पूरी आशा है कि वो आगे साकार होंगे आज हमारे पास तेरह चौदह कमरे हैं लेकिन आगे वो एक बिल्डिंग बनेगी जैसे सोवा रिपा की भी बिल्डिंग है उसी तरह से फाइन आर्ट्स की भी बिल्डिंग होगी जो कि आपका सपना है उसमें में वुडक्राफ्ट और थंका के अलावा और भी डिपार्टमेंट जुड़ेंगे खुलेंगे मैं आपकी कसौटी पर कितनी खड़ी उतरी कहाँ तक मैं हूँ मुझे नहीं मालूम लेकिन आपका सहयोग मुझे बहुत मिला आज मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ खड़ी हूँ आपकी वजह से क्योंकि कई बार मैंने कोशिश की यहाँ से जाने की क्योंकि मैं परमानेंट नहीं थी मैं दुखी थी परेशान थी लेकिन मानसिक तौर पर भी आपने मुझे संभल दिया और मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया मैं आज जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ और मैं सदैव आपकी रेडी रहूँगी आपकी आभारी रहूँगी मैं आपके सफल उत्तरोत्तर जो उत्तरार्थ है आपका वो सफल उत्तरार्थ रहे आप निरोगी रहें दीर्घायु बने ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और आपका आशीर्वाद मेरे पास हमेशा बने रहे ऐसी आशा के साथ नमस्कार थैंक यू थे। अब मैं अनुवाद विभाग के आचार्य विभागाध्यक्ष और प्रकाशन प्रभारी प्रोफेसर पेमा तेंजन जी को सादर आहूत करता हूँ बड़ी जो है सब कुछ आपको यहाँ के विषय में क्या है शैक्षणिक शोध के विषय में अच्छी जानकारी है तो मैं आचार्य पेमा तेंजन जी को आहूत करता हूँ आप आएं और सुनाएं अपने अनुभव अच्छे और कुछ दिशा निर्देश दें आगामी पीढ़ी को आचार्य पेमा तेंजन जी नमो बुद्धाय गुरुवे नमो धर्माय तायने नम संघा महते त्रिभ्यो नमः त्रिभ्यो अपि नमभ्यो नमः परम सम्माननीय हमारे कुलपति पद्मश्री केशे प्रोफेसर मावा जी हमारे मूल शास्त्र के अध्यक्ष एवं विद्वान डॉक्टर वांश जी प्रोफेसर वांश जी एंड हमारे रजिस्ट्रार महोदया सुनीता जी प्रशासनिक अधिकारी गुरुजन गुरुजन तो नहीं है लेकिन गुरु जी का मतलब मेरा यहाँ फैकल्टी मेंबर्स से हैं भिक्षु संघ कर्मचारीगण छात्र एवं छात्राओं आप सभी लोगों को नमस्कार आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे प्रिय और हमारे अग्रज कुलपति जी के सेवा संपूर्ति समारोह के लिए जैसा कि सभी लोग अपना अपना अनुभव सुना रहे हैं मैं भी कुछ अपने अनुस्मरण सुनाना चाहता हूं। बहुत कहने के लिए नहीं है क्योंकि अधिक अधिकतर अधिकतर तो आप लोगों ने कह ही दिया लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत कुछ संस्मरण जब मैं यहाँ आया पूर्व मध्यमा से ही मैं आपको जानता हूँ आप और हम लोग एक ही हॉस्टल में थे और जब मैं यहाँ आया तो आपसे ही मुलाकात हुई मेरे सम मेरे मेरे विचार से या मेरे जो यहाँ जहाँ जहाँ तक मेरी यादाश्त है कि सबसे पहले मेल मिलाप आप ही से हुआ उस समय मैंने आपका एक शिष्ट सभ्य शालीन और जो एक कुलीन परिवार का वर्ग का एक आचरण होता है वो मैंने देखा था बाद में मुझे पता लगा कि आप वास्तव में कुलीन वर्ग से आते हैं आपका परिवार जब मैं आपके परिवारजनों से मिला साल भर के बाद में मेरा हॉस्टल चेंज हो गया और फिर मैं दूसरे हॉस्टल में चला गया तो फिर हम लोगों का जो एक वो संपर्क था वो टूट गया लेकिन सौभाग्य देखिए है ना जैसे आप आपने भर्ती जी का बहुत बहुत श्लोक सुनाया मैं भी एक लाइन सुनाना चाहता हूँ अभाव्यम न भवति इह, अभाव्यम न भवति इत कर्म कर्मवश तो भाव्य से नाशा कुता कर्म के वश से हमको फिर से मिलना था तो आचार्य पास करने के बाद मैं यहाँ से चला गया था क्योंकि मैं अधिकतर बीमार रहा ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया और इलाहाबाद जा के एम संस्कृत करना चाहता था और वहाँ आई की तैयारी करना चाहता था क्योंकि मैं मेरा साइंस भी अच्छा था मैं साइंस बैकवर्ड बैकग्राउंड से आया था मेरा मैथ्स अच्छा था और मैं मेरी हिंदी अच्छी थी लेकिन यहाँ से रिम्बूचा जी का एक मैसेज आया संदेश कि पैमा तेंजिन की भाषा ठीक ठाक है उसको अनुवाद के लिए आना चाहिए तो फिर मैं यहाँ चला आया विचार विमर्श करने के बाद क्योंकि यहाँ एक शर्त थी और एक गारंटी थी कि दो साल रेगुलस ट्रेनिंग जो संस्कृत कोर्स है वो कराया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ आपको नौकरी भी दी जाएगी एक आजीविका के लिए नौकरी दी जाएगी और आपको जीवन भर यही रहना है काम करना है तो मान लिया गया शर्त मान ली गई और हम आ गए मैं यहाँ आ गया मैं यहाँ आया तो फिर आपसे मुलाकात हुई फिर हम लोग एक साथ संस्कृत सघन संस्कृत में संस्कृत ग्रामर पढ़ते थे और आप क्योंकि अग्रज और सीनियर थे तो आप हम लोग को प्रेरित करते थे क्लास में मतलब कि उपस्थित होने के लिए सीखने के लिए हर प्रकार से आप जो हैं हम लोग का साथ देते थे और हम लोग को सुझाव देते थे मैं बताऊं आपको कि एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूं जब हम यहाँ क्योंकि आप तो सर्विस ज्वाइन कर चुके थे उसके बाद हमने सर्विस ज्वाइन किया तो यहाँ हमारे यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसलिए दो तीन स्मरण ही सुनाना चाहता हूँ तो उस समय प्रोफेसर गारफील्ड का भाषण वेस्टर्न फसफ़ी पर शुरू हुआ तो आप थे और हमारे अग्रज शास्त्री जी जो अब नहीं हैं हमारे बीच वो और मैं तो शुरू में करीब तीस बच्चे आते थे और धीरे धीरे धीरे, धीरे गायब हो जाते थे तो दो तीन हफ्ते का ही होता था तो दो दूसरे दिन से ही गायब होना शुरू हो जाते थे तो ये हमको पकड़ पकड़ के ले जाते थे चलो चलो चलो, चलो चलना है चलना है तो अब मेरी अंग्रेजी उसमें में उतनी अच्छी थी नहीं और गारफील जी के अंग्रेजी अमेरिकन एक्शन और इतनी तेज बोलते थे इतनी जल्दी बोलते थे तेज़ तो हमारे महेश शर्मा जी की तरफ तो बोलते थे और लेकिन उनसे भी तेज बोलते थे स्पीड स्पीड भयंकर थी उनकी इसलिए समझ में आना तो अपने बस की थी ही नहीं तो आप ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते थे और मैं वहाँ जा करके के सोता था मुझे नींद आती थी और ये मुझे फिर ये हमें जो है धक्का मार करके जाइए मोह आइए फिर मैं वहाँ लाइब्रेरी का जो सभागार है नीचे का फिर मैं मोह धोने जाता था दोबारा आके बैठता था थोड़ी देर में फिर मैं मुझे नींद आने लगती थी तो फिर ये मुझे भेजते थे तो शुरू में तो बड़ा मुश्किल था फिर मैं कहता था कि मैं... ना अब मैं नहीं जाऊँगा एक हफ्ते के बाद मेरे मैं... मैं से नहीं होने वाला लेकिन पकड़ के ले जाते थे बाद में हम तीन ही आदमी थे आप थे और शास्त्री जी थे और मैं बस तीन ही आदमी होते थे अंत तक मुझे किसी तरह से बैठना पड़ता एक प्रकार से सजा थी मेरे लिए ले। लेकिन वो सजा दूसरे साल तीसरे साल दो साल तीन साल लगातार खींच खींच के ले गए तीसरे साल में मुझे उनकी अंग्रेज़ी समझ में आने लगी और मेरी नींद गायब होने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी अंग्रेज़ी मेरे लिए बहुत आसान हुई ये ऐसे इनका स्वभाव है ये शुरू से ही बहुत ही विलक्षण स्वभाव के कुलीन वर्ग तो मैंने आप स, आप लोगों को बता दिया ये इनके परिवार ही कुलीन वर्ग के हैं इनकी माता जी भी इतनी मीठी बोलती थी इनकी दी जो है दीदी इतनी मीठी बोलती थी आप हैरान हो जाएंगे ये हाशा में कुलीन वर्ग जो है लाशा के इर्द गिर्द जो पहले हाशा के जो प्रशासनिक लोग होते थे उनकी भाषा बहुत मीठी है ऑनरेफिक बिल्कुल आप अगर गुस्सा भी आए ना तो आप करके गुस्साए गुस्से करेंगे डांटेंगे वो ज़ोर से डांटेंगे ही नहीं ऐसा उनका परिवार था तो मैंने तो उनके सारे परिवार के सभी लोगों को देखा है उनके साथ रहा हूँ मिला हूँ हमेशा तो मेरे पास तो बहुत स्मरण हैं अब मैं एक और छोटा सा वाक्य कहना चाहता हूँ ये इन्होंने जो है उन्नीस सौ में एक हम लोग तब साथ में जो ट्रांसलेशन और रजिस्ट्रेशन साथ में ही मिल कर के योजना बनाते थे कि किन ग्रंथों का हमें अनुवाद करना है रजिस्ट्रेशन करना है तो मेरी क्षमता उतनी नहीं थी उस समय इन्होंने मुझे एक ऐसा ग्रंथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया क्यों उसके बाद मैं उस पर जब काम करने लगा तो ये 2000 में के बाद तो ये तो अपने बीसी में चले गए छोड़ के वो मेरे सर पे आ गया और मेरी समझ में आया ही नहीं वो असंग का महा क्या कहते हैं महायान संग्रह ग्रंथ विज्ञानवाद का बहुत कठिन ग्रंथ तो फिर लेकिन फिर मैंने कोशिश किया बहुत उसका रजिस्ट्रेशन किया जब गुरुजी के पास दिखाने गया तो गुरुजी बोलते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है तुम छोड़ दो इसको दूसरा करो तो फिर मैंने सोचा क्या करूं फिर मेहनत किया फिर मेहनत किया फिर, फिर ग्रंथों को पढ़ा फिर उसका पूरा हिंदी अनुवाद किया फिर उसके बाद दोबारा संस्कृत में करके फिर गुरु के पास गया और जब गुरु जी के गुरु जी से वो करने लगा जब मैं दोबारा गुरु के पास जाकर बताने लगा तो गुरु ने कहा हाँ अब सही है अब समझ में आ रहा है अब तुम समझ गए हो तो ये भी उन्हीं की देन थी आज वो मेरा किताब निकला है 2012 में निकला देखिए इतना मेहनत करने के बाद और वो बहुत अच्छी किताब निकली है आज सागर यूनिवर्सिटी में उसमें पीएचडी करने लोग तो मैं ये भी आपकी अलग दिशा निर्देश आपके जो है सुझाव का ही परिणाम है और कुछ रिसर्च के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 में जो 2000 के बाद एक से जब आपने बी सी ज्वाइन किया तो रिसर्च के जो एकेडमिक टीचर्स के एक्विवेलेंट जो पोस्ट थे वो एडिट असिस्टेंट एस एडिटर एडिटर आ, इस प्रकार से चीफ एडिटर आपने प्रयास करके उसको रिसर्च के जो के पोस्ट हैं उसको जो टीचिंग के पोस्ट के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफेसर करके ये आपने इसमें आपका आपका योगदान रहा आपने बहुत अच्छा एक हम लोगों के लिए आ, एक रास्ता क्लियर किया बोला मार्क क्लियर किया तो उसके बाद फिर क्योंकि हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाता था हम अपने ग्रंथों में लगे रहते थे आप अपने कार्यों में लगे रहते थे कभी कभी मिलना होता था बातचीत होती थी लेकिन जो उन्होंने यहाँ संस्थान में देखो जैसे आप लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा है, भाई एक प्रशासनिक होने के नाते कुछ कुछ काम थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा भी जाते हैं होता है लेकिन हम अच्छाइयों और बुराइयों में अगर हम अच्छाइयों को देखें तो तब हमें एहसास होगा कि बुराइयाँ उतनी बुरी नहीं थी इन्होंने जो है कि एकेडमिक में जो शिक्षा के स्तर पर जो सेमेस्टर स्टार्ट किया वो भारत में यूनिवर्सिटियों में मेरे ख्याल से पहले पहले नंबर में था शायद पहले या दूसरे नंबर मिश्रा जी बताएंगे बहुत जल्दी आपने स्टार्ट करा दिया था वो विदेशों में होता था या नहीं था भारत में नहीं था मैं क्योंकि विदेशियों को पढ़ाता था सेमेस्टर तो मुझे मालूम था मेंटर सिस्टम मेंटर मेंटर वाला मेंटर वालों को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है विदेशों वो आपने शुरुआत की पेपर बनाने का जो तरीका है उसको बदला वो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से बदला गया वो ताकि उसमें सारा कोर्स इंक्लूड हो जाए ये एकेडमिक में उनकी एक उपलब्धियां हैं जो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में कहना ही क्या है उसके बारे में मैं कहूँगा ही नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुरू से ही इनका विजन इनका योजना बनाने का उत्साह इनके इनके अंदर में वो गुण थे पहले से ही योजना योजनाएं बनाते थे बड़े बड़े और प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े बनाते थे और इनके दृष्टिकोण भी बहुत क्लियर होता था इनकी तार्किक बुद्धि इसका कहना ही क्या है हर उसको जो है ये सूक्ष्म तरीके से तर्क के साथ रीजनिंग के साथ जो आपने कहा ना लॉजिक लॉजिक लो� के साथ ये काम करते थे तो यहाँ एकेडमिक में उन्होंने इन सब सिस्टम को सुधारा रेन हार्वेस्टिंग का यहाँ शुरुआत किया उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इन प्लांट उत्तर क्या कहते हैं पूरे बनारस में पहला सबसे पहले आपने शुरुआत किया यहाँ से हमारे संस्थान से तब कहीं भी नहीं था तो ऐसा नहीं है आपने जो सौरफा को स्थायित्व तो दिलाया तो ये सब उपलब्धियां हैं आपकी बहुत मैं अभी भी कम बोल रहा हूँ बहुत अभी और उपलब्धियां हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता हूँ गिनाऊंगा तो लगेगा कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं एक संस्था के अध्यक्ष के नाते मुखिया के नाते उन्होंने अपना सब कुछ दिया इसमें कोई दो राय नहीं है और भिक्षु होने का लाभ हमारे संस्थान को पूरा मिला क्यों क्यों एक भिक्षु को कोई अपना वो है नहीं इनके परिवार और वो सब बड़े बड़े अच्छे पदों पर है विदेश में सारे विदेश में हैं एक दो को छोड़ के कोई कमी नहीं है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इनके प्रति थोड़ी सी भी हमारी दुर्भावना बनती है या हमारे अंदर में द्वेष वो भाव नहीं आना चाहिए क्यों अगर हम इनकी अच्छाइयों को देखें तो जो इन्होंने योगदान दिया है जो इन्होंने त्याग किया है संसान के लिए और संस्थान इन्होंने पर कल एक बहुत अच्छी बात कही ये इनका शुरू से ही उद्देश्य रहा इस बात को मैं कह के कर समाप्त करता हूँ ठीक है कि हमारे पास जो चीज है हम उसकी सुरक्षा करें और फिर उसका संवर्धन करने का भी सोचें उसके साथ साथ हम उसको आज के आधुनिक युग में उस कंपटीशन में ले जाएं जैसे सुचिता जी ने अभी कहा आर्ट आर्ट्स आर्ट्स वाला फाइन आर्ट्स वाला आप ले गए फाइन आर्ट्स में आपने 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 कल कहा कि पहले जो है फाइन आर्ट्स में तिब्बती विद्वान बोली नहीं पाते थे रशियन विद्वान जापानीज विद्वान ये लोग बोला करते थे अपना कुछ हम लोग सिर्फ थंका लिखने में लगे रहते थे, थे तो ऐसा नहीं है हमारे पास जो विद्या है हम अपनी विद्या का संरक्षण भी करें और उसका जो है कि उसमें संवर्धन भी करें और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको उसको ले जाए उसके साथ हम कंपटीशन करें तो इसीलिए दलाई लामा जी ने बौद्ध धर्म को जो है तीन भागों में बांटा ना बौद्ध धर्म बौद्ध विज्ञान और क्या है एक और क्या है तीन है दर्शन दर्शन ये तीन भागों में बांटे देखिए आज का जो बौद्ध विज्ञान है वो पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन कर रहा है पूरे साइंटिस्ट उसमें लगे हुए उनके साथ कंपटीशन चल रहा है बताइए बौद्ध धर्म नहीं बौद्ध विज्ञान और बौद्ध धर्म की तो बात की क्या है मैं नहीं कहना चाहूँगा वो तो जग जाहिर है <coughs> जैसे अभी अभी भगवत सिंह जी ने कहा एक हमारा संस्थान जो है मुशी जी जब कहते थे कि यहाँ हमें मानव के व्यक्तित्व का विकास करना है हमारा संस्थान ताकि हम कहीं भी जाएं तो हम वहाँ लीडरशिप समाज में भाईचारा करुणा मैत्री इस सब का संदेश लोगों में फैला सके लोगों को बता सके लोगों को सुना सके दिखा सके हम अपने इस प्रकार से हम छात्रों को तैयार करें कि वो कहीं भी जाए लोगों पर राज करें नौकरी ना करें तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुं। आ, बहुं। मैं मैं क्या उनको वो दूं वो तो साथ तो छूटेगा नहीं बीसी होने के नाते हम लोग थोड़ा दूर हो गए थे <laughs> वो स्वयं जानते हैं न्न वना हम दूर नहीं थे हम लोग साथ साथ रहे हैं खाए हैं पिए हैं खेले हैं कूदे हैं बहुत कुछ बहुत बहुत संस्मरण हैं जिनको भुलाया ही नहीं जा सकता पीछा छोड़ ही नहीं सकती तो मैं उनके एक सुखद जीवन की कामना करता हूँ सुखद जीवन तो होगा ही होगा होना ही है मैं क्या कामना करूँ लेकिन फिर भी मैं एक गृहस्थ होने के नाते में उनसे छोटा होने के नाते में एक कामना करता हूँ मैंने आज सुबह भी लिखा था कि हैप्पी पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ मैं उनकी इस इसकी कामना करता हूँ धन्यवाद जैसा कि आचार्य पेमा तेंजन ने बताया कि आप ही समझिए कि जैसे टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के पद थे तो रिसर्च वाले भी उतना उससे भी ज़्यादा मेहनत करते थे ग्रंथ लिखते थे और यहाँ वो सुविधा मौजूद नहीं थी वो सुविधाएं नहीं थी तो अन्य क्या कहना चाहिए गंगानाथ झा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान प्रयागराज और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जब आपने जुटाया उस सबको हाँ बड़े खेल खेला है आपने क्या बात है हाँ इसमें कोई दोहरा नहीं है बढ़िया युक्ति तर्क बढ़ाया है आ, इसमें तो आचार्य जी आगे तो वहाँ से प्रूफ लाए सब कि रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं उनके वो वो सहायक आचार्य के पद पर क्या है प्रमोट हुए तो प्रफ लाया गया यहाँ लगाया गया तब वहाँ दिया गया तब जाकर के टीचिंग की तरह रिसर्च में भी उन पोस्टों को सृजित किया गया और एक सही परिश्रम का योग्यता का विद्वत्ता का कहना चाहिए अपने आप में एक मानदंड मिला मूल्यांकन किया गया तो इसमें तो आपका आपके योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी जैसा कि आचार्य पेमा तेजी ने शोध और शैक्षणिक तथा अपनी बाल्यकाल की और भी अपनी विषय की जो है अनेक अनुभवों को आपने अच्छे ढंग से यहाँ रखा अब मैं देखिए एक व्यक्ति ऐसे भी हैं आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिक्षा के बंधनों में संस्थान के नियमों के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि नियमों उसके बंधन में रहेंगे तो हमें बहुत से ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे कि हम शोध जैसे गंभीर कार्यों को ठीक से संपन्न नहीं कर पाए तो कुछ लोग स्वतंत्र रूप से अपना अवदान देते हैं और वो ज्यादा काम कर जाते हैं क्या बात करते हैं अब एक एक व्यक्ति 20-25, 25-25 ग्रंथ लिख करके मोटे ताजे पांच पांच सौ पेज के लिख करके प्रा, प्राचीन विद्वान चले गए यहां से जयंती थे सुकृतिना रस सिद्ध कवि स्वरा नास्ति ये शाम यश काय जरा मरण जम भयम् ना तो बुढ़ापे का डर ना मौत का डर होता है किसको कवियों को हैं जो रस सिद्ध कवि होते हैं वो हमेशा साब अमर होते हैं वो नहीं है अपनी काय से नहीं है अपने ग्रंथों के माध्यम से आर्य देव नागरजन वसुबंधु धर्म कीर्ति आदि विद्वान जितने हैं वो आज अपने ग्रंथों के माध्यम ग्रंथ सरस्वती के माध्यम से आज पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में कक्षाओं में तो हमेशा जो है क्या है अमरायत रहते हैं अमर होते हैं, हैं। तो इस क्रम में मैं अब आ, एक ऐसे विद्वान हैं और वो सर खूब लेखन कार्य कर रहे हैं खूब मोटे मोटे ग्रंथ दे रहे हैं तिब्बती इतिहास के संदर्भ में बड़े अच्छे और गंभीर भी हैं शालीन हैं साफ सुथरे हैं एकदम समझिए आप आप उनको ऐसे हम जब कभी जाते तो, पंडित जी तो लगने लगता था कि सर उनको कुछ भय सा लग रहा है कि आ, कुछ वो ना हो आ, मुझसे कुछ गलती ना हो तो दूर होकर के मतलब कहने का और बड़े प्रेम से बात करते हैं बेरी जेगमे जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं Agi ngāngsāng diya lāng chōg dāng, tēnei rīchōng dīdī jē chōg dāng, tēnei pōpi sāgi ā uñshī ndo jēni khēlāq sē bē, nāmbā tsō yāng sā dzōpa lā cāntu shē yā dāng, ngā la kēchā rīmbō shē mē, nāmbā tsō Tēne 댄세 담보데 데리 tērē kwa kāntē tū tē tēngē shwē tē pā tēngē tēngbā chō kē shīngē kē tō la ngā jē tāng, yu rōng tāng, kī yā tōntō tshēngbā shūgē yu sē yate tēnsē tāngbō i. Tē mī kīng tē shē jā jawa mā yīmbā, tē lō lo ju yinere, rinne yinere, chi lu yinere, tache yinere, yu lu yinere, daga nage zangrui dondewe yi yu lu yinere, lo ju yinere, kangsa jitene, nanzi miri yun yun di yi nolo la, da hachang hachang genbi chi mbote temi manake chi shu noge chi ᱛᱮ ᱠᱤᱡᱟᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱢᱤᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱪᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱱᱚᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱢᱤᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱪᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱱᱚᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱢᱤᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱪᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱱᱚᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱢᱤᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱪᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱱᱚᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱢᱤᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱠᱟᱠᱮ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱪᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱱᱚᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ngā tsō pēpāl pīchī yōrē, xie gō mārē, siyamshā yōrē, tī gō mārē, pārshā yōrē, sēwa nō shi kāng yabātē, kāng jīn thōng kē yabā yīchā nīngi tī kī dhā rōlān, rē chē shō kī mē lā, ane chā shē rē 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 rō rō sō sō, rē chē shō ngi nō mbē kī shō rō gō rē, ngē shō sāzhōng kī kōdhūng tēng tāmbō tē kē nē lē, tē tē sāzhōng tē ngē pēnē sāngyō wā yēn kē nyē ngā tō tsāng chā lē chē lē tē ngē mī zhē ngā tēng tē dēndē shū wī rē, pēshē tē ngē ngō tsū wē rē sē na pēshē dī zhē rē. Tē nē nyi tū tū lā yāng chā sāzhōng tē dēndē shū sō, nyi tōng tū lā dāwa chī kē

Nga kii yabba mishikhegi, tachung tachachi itani, 졸리샤나 dhazishwaani, dzolishana kasa kala, Osport University ki tshine, lota chenpa mambog nalola, kasa kala, sajong dhaya dhang, tamsheng dhaya dhang, thana loti dhaya gi ghegen dhoni, tindee ki thong nila, paapa ngiche yei sui shubi ya. Paapa yabba

ensemble ge ta nin zha thua sha ge bebe julo la zha chi chi shu jing de nin nu lo zang ri lian zhi tu yuan de ha zang ge ge che mo ke la cha de yue re an ge che agency mo mo shu dang ga zhi ti se gi chu gu chi la che wa de chin zhe che wa de ju de su de me be la che ge nin zhe ji che mo ji de ti nin zhe ji dang la ka ti ji de da ti ya yi ti ji आप आए और अपनी बातें रखें बुद्धमश्च धर्मश्च गण उदमश्च यवदी बोधि शरण गदस्मे दान दिपुन कृते मयेर्भि बुद्धो भवे जगदोहिताय बुद्धो भवे जगदोहिताय बुद्धो भवे जगदोहिताय समय के अभाव की वजह से हम मेरा अपना विचार जो है संक्षिप में पढ़ना चाहता हूँ <laughs> संस्थान द्वारा आयोजित गीर्घकालीन सवा सम्पर्ति सम्पूर्ति समारोह के अवसर पर मंचासीन मुख्य अध्यक्ष प्रोफेसर ध्वज नेगी जी आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री केशव जी संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्र जी सभी कर्मचारी गण छात्र एवं छात्रें और सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं जैसे कि सभी जानते हैं कि कुलपति महोदय जी का वर्तमान कार्यकाल की अवधि आज समाप्त हो रहे हैं इस उपलक्ष्य पर हम सभी माननीय कुलपति जी के समान हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके दीर्घकालीन सेवा में उन्होंने संस्थान के लिए अतुलनीय एवं अनुपम योगदान दिए हैं जिसका मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है इसलिए संक्षेप में आप लोगों के समक्ष दो शब्द कहना चाहता हूँ उन्होंने पुनरुद्धार विभाग में अध्यक्ष के रूप में लगभग तेरह वर्षों तक कार्य किए उनके नेतृत्व में विभाग द्वारा अनेक ग्रंथों पर शैक्षणिक संबंधित शोध कार्य हुए है इस विभाग के संदर्भ में कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ संस्थान के चार प्रमुख उद्देश्यों में से एक शोध विभाग के स्थापना करना जब संस्थान की स्थापना हुई हैं उनमें प्रारंभ में शोध विभाग की स्थापना हो नहीं पाया क्योंकि शोध छात्रों का अभाव में शोध विभाग को संचालित करने में असमर्थ था पश्चात सन 1980 में उत्तीर्ण तीन आचार्य छात्रों द्वारा पूर्व निदेशक एस रिम्बोजी से निवेदन करने पर उन्होंने सर्वप्रथम तीन छात्रों की उन्नत संस्कृत भाषा एवं पुनरुद्धार का एक सघन परिषण पाठक्रम शुरू किया किया गया जिसमें से एक हमारे कुलपति जी सम्मिलित हैं तत्पश्चात उन तीन छात्रों को तिप्ति से संस्कृत और अन्य भाषाओं में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथों के पुनः पुनुद्धार एवं अनुवाद के कार्य में संलग्न किया गया संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन उन्नीस में पुनरुद्धार विभाग की औपचारिक रूप से स्थापना की गई इस विभाग का मुख्य उद्देश्य त्रिवीति भाषा में संग्रहित, संरक्षित प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और साहित्य का मूल संस्कृत में पुनरुद्धार करना है इसका उद्देश्य न केवल पुनरुद्धार ग्रंथों का शोध करना है अभी तो लुप्त प्राचीन भारतीय बौद्ध परंपरा को उसके मूल रूप में पुनर्जीवित करना भी है विश्व में ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर इस तरह का कार्य किए जाते हैं उपयुक्त शोध कार्य को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने के लिए सन उन्नीस में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुनर्द्धार और अनुवाद को स्वतंत्र विभाग के रूप में मान्यता दी गई कुलपति महोदया जी ने पुनर्वद्वार विभाग के अध्यक्ष रूप में सन उन्नीस से लेकर 2001 तक लगभग तेरह वर्षों तक कार्य करते हुए संसद के निदेशक रूप में नियुक्त किया गया पुनर्द्धार विभाग के अध्यक्ष रूप में कार्य करते समय आपके नेतृत्व में अनेक पुनर्द्वार पुनर्व्धारित और ग्रंथों का उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक एकेडमी लखनऊ से शंकर विविध और विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें आचार्य कमल के द्वारा पंडित भवन अक्रम दिवंग श्रीचंद द्वारा पनित पंच ग्रंथ संग्रह अचल कमल द्वारा सॉरी इसके बाद सूत्र आदि को आ, अनेक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उन्होंने इस विभाग में कार्य करते समय आचार्य नगर जुर्म पंडित रत्नावली और अजित मित्र के टीका तिब्बती भाषा में संपादन एवं पुनरुद्धार कार्य पर कार्य किया जिसमें तिब्बती संपादन कार्य के अंतर अंतर्गत भूमि भूमिका में अपने आचार्य नगर्जुन के जीवनी पर एक विस्तार शोध कार्य किए हैं जिससे अनेक विद्वानों ने प्रशंसा एवं सराहना की अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उन्होंने राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र स्तर पर बौद्ध बोर्ड बोर्ड दर्शन पुनरुद्धार अनुवाद एवं संपादन कार्य क्षेत्र में अपने सेवा काल में किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु विभाग के ओर से आभार एवं समान व्यक्त करते हुए आपकी स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ अंत में आपके दीर्घ आयु एवं शोध समस्त भावी योजनाओं सफल रहो और सत्व की की के कल्याण जगत की सुख शांति हेतु कार्य करने की आशा रखता हूँ धन्यवाद आ, क्यों ना हम कुछ छात्रों की ओर रुख करें ऐसा थोड़ी कि हम ही लोग जो है उसमें सर कार्यभार कार्य संचालक हो गए तो फिर हम ही लोग जो है अपने ढंग से इसको दौड़ाते रहें तो इस क्रम में मैं आ, क्या कहूँ डॉक्टर वो तेंजिन नीमा नेगी सर सा, सर आए हाँ आभा मंडित मंच आ, सम्मानिय गुरुजन और आप सभी मित्रों को सर्वप्रथम मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन आज हमारे कुलपति महोदय पद्मश्री प्रोफेसर केशव समेन जी के इस सेवा निवृत्ति या सेवा सम्पूर्ति समारोह में का मुझे दो शब्द बोलने का अवसर मिला है तो मैं जो है अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है क्योंकि कुलपति जी के सन्निधि में मैंने बहुत सारे कार्य किया है आपके सन्निधि मार, मार्गदर्शन में मुझे बहुत कुछ कार्य करने का अवसर मुझे मिला है आपका व्यक्तित्व जब मैं आपको देखता हूँ तो एक डायमेंशनल जिसे कहते हैं ऐसा आपका व्यक्तित्व है आप दूरदृष्टि आपका कोमल हृदय इन सारी चीज़ों को मैं जब देखता हूँ तो एक मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है जब भी आ, मैं आपके समक्ष किसी भी आ, अपने कुछ कार्यों को लेकर आपके समक्ष आता हूँ तो आप कितने एक छात्रों के प्रति आपका क्या रवैया है क्या विचार है वो आ, प्रदर्शित होता है आप जो है छात्रों को हमारे संस्थान के छात्रों को एक ऐसा छात्र एक सर्वांगीण एक मल्टी टैलेंटेड एक छात्र के रूप में जो है आप स्थापित करना चाहते हैं यहाँ के छात्रों को जब भी आप आपसे कुछ आप कुछ कार्यों के लिए बोलते हैं तो वैसे तो हमारे संस्थान में कई दक्ष उस कार्य को संपन्न करने में कई ऐसे लोग हैं आचार्यगण हैं कर्मचारीगण हैं फिर भी आप जो है छात्रों के प्रति आपका ये रुख रहता है कि छात्र क्यों ना इस कार्य को कर सकते हैं और छात्रों को जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए आपने मुझे कई अफसरों पर आपने मौका दिया है अनुवाद करने का भी मौका दिया है परम पावन दलाल लामा जी का अनुवाद करने के लिए आपने मुझे भेजा है तो मैं तब मैं हिचक रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा परम पवन दलाल लामा जी का एक मुझे तो कभी अनुभव ही नहीं है लेकिन आपने जो है मेरे जो मुझे जो आपने जो साहस थी प्रोत्साहन किया कि आपको करना है तो आपने हमेशा जो है छात्रों को जो है एक अपने एक शैक्षणिक अपनी शैक्षणिक वो तो है पक्ष तो है लेकिन एक दैनिक जीवन में हम किस तरह से जो है अपना अनुभव छात्रों का जो है अनुभव लाभ करते रहना चाहिए उसके प्रति आपका हमेशा ध्यान रहता है और मैं बहुत ही कम शब्दों में कहूँगा और जो है मैंने एक आपके अंदर एक सबसे अच्छा गुण एक दो अच्छे गुण देखा जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है इंसान बनाता है या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ये मानव बनाता है वो गुण है गरीबों के प्रति आपकी जो दया भावना है कारूनिक भावना है हम यहाँ संस्थान में जो है एक निर्वाण समूह के छात्रों का समूह है उसके माध्यम से जो है यहाँ आस आस पड़ोस में जो है गरीब दीन दुखी लोगों को हम जहाँ तक हो सके छात्रों की ओर से हम लोग जो है उनकी सेवा करने का हम लोग प्रयास करते हैं निर्वाण समूह की तरफ से तो जब भी हम इसके माध्यम के इसके लिए जो है कुछ हमें जो है धन की आवश्यकता होती है तो हमेशा जो है आपने कभी भी आपने यही नहीं कहा कि इसके लिए धन नहीं मिलेगा इसके लिए अनुदान नहीं मिलेगा तो आपने जो है खुले मन से आपने जो है हमें दिया है तो ये जो है आपके अंदर दीन दुखी गरीबों के प्रति आपकी जो दयालुता है वो प्रदर्शित करता है तो ये मेरे लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है एक छात्र होने के नाते कि आप जैसे महान व्यक्तित्व जो है जब हम लोगों को इस तरह से प्रोत्साहन देते हैं तो हमें भी एक साहस मिलता है हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह एक दूसरा आपकी जो है बहुत ही खूबी वो ये है कि चूंकि मैं आपके कार्यालय में एक सहयोग के रूप में वहाँ रहा था तो पाँच छः महीना रहा था तो आपके साथ यात्रा करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है हम बोधगा भी गए हैं आपके साथ और प्रयागराज भी गए हैं तो जब रास्ते में हम लोग जाते थे तो एक हमारा तो ये था कि बड़े लोग हैं तो बड़े व्यक्तियों के साथ जा रहे हैं तो आज जहाँ भी भोजन करने के लिए रुकेंगे एक बहुत बहुत ही बड़ा होटल में रुकेंगे या इस तरह से तो एक बाल मन है एक बाल बुद्धि है तो जो है लेकिन जब हम रास्ते में जब रुकते हैं तो एक साधारण सा एक डावे में वहाँ तो मुझे लगता है थोड़ा असहज हो जाता है कि जो है हमारे कुलपति महोदय जी जो है एक साधारण से डावे में भोजन करेंगे या जलपान करेंगे बड़ा असहज होता है लेकिन आपके अंदर वो जो एक Uh, क्या कहते हैं कि अपनी कुलपति को लेकर एक पद है उस पद के गरिमा को आप वहाँ पर आप जो है नहीं लाते हैं वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप जो है वहाँ ढाबे में आप भोजन करते हैं तो वो जो है एक छात्र को मेरे जैसे छात्रों के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमें भी जो है कितना भी पद पद हम अपनी जीवन में क्यों ना लें लेकिन एक मानवीयता एक जो है एक साधारण एक जीवन शैली जो है हमें किस तरह से अपनाने है ये आपसे जो है मुझे प्रेरणा मिली है बहुत सारी चीज़ें हैं समय का अभाव है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और एक जो है इससे पूर्व हमारे हिमाचल बौद्ध छात्र संघ के संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद्र जी ने आपने कहा कि जो है आ, हिमाचल आपने जो है हिमाचल बौद्ध छात्र संघ संघ को जो है एक प्रोत्साहित किया क्योंकि जो है अभी वर्तमान जो है वर्तमान में जो है क्या चल रहा है कि हमारे जो पुरातन नालंदा की जो गौरवमयी इतिहास रही है उसका पुनरुद्धार कैसे किया जाए तो उसके लिए जो है आपने जो है हमें प्रोत्साहित किया कि आप जो है हिमालय क्षेत्रों में वहाँ से क्यों ना प्रारंभ किया जाए कि हिमालय क्षेत्रों के लोगों को जो है नालंदा बौद्ध परंपरा की जो शिक्षण व्यवस्था है अध्ययन परंपरा है उसको जो है जागृत किया जाए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए तो इसके लिए आपने जो है बहुत ही हम लोगों को सहयोग किया तो इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और हमेशा कृतज्ञ रहूँगा आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अन्य जो है आप जहाँ भी रहें और आपकी जो है छत्रछाया हमें प्राप्त होती रहे और जो है आप सुखद और सुखी जीवन और स्वस्थ ऐसा रहे और दीर्घायु रहें ऐसी कामना करता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं इसी क्रम में एक और शोध छात्र को चाहता हूँ जो प्रस्तुत करेंगे अनुमोदना अनुमोदना पद्य सुमांजलि ही आपके हमारे सोवरिक्पा के अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर दावा शर्पा जी आए और प्रस्तुत करें देखिए हमारे शोध छात्र संस्कृत में सर पद्य बनाकर संस्कृत में रचना करके जो है स्वतः मौलिक रचना करके और आपका सम्मान कर रहे हैं इन पद्यों के माध्यम से विद्वत विद्विंद एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों मैंने हमारे कुलपति जी के प्रशस्ति के लिए कुछ पद्य रचे हैं इनका वाचन करना चाहता हूँ जिसका तिब्बती अनुवाद भी मैंने किया है संस्थान तैबतम चईतत्विद्यान्द्रमदुत कंवर्धि रम्य मुत्तरम दे बुद्धिमन फेकी चुगला लोखांग ऋक् न्यामगा दिखो पेल लोदेन लिंचिधम तैबतो बौद्धधर्मोम बोट हिमाल dharma samskriti bhasha ya asharya ek eva vai pheki sangye chhe dini phe tang himalaya yi chhe tang lishung ke nam ki ten ni chig ni lagyu pa samsthanam teibatam chetam samsthapitam mahadbhutam suprapujya dalai la ma guru na hitai shina pheki chula lomnyar khang ge che medu chungwa di phenshe chhodu

나왕 썸띵 쳔솔와 리게 닥보 니두제 빔샤 त्यादिका वर्षानि भवत बे रत्र यत लेखितुम सर्वम मया सुमन्द बुद्धिना ए क्योंकि निशुले लाखसम दिना कांगकांगजे तेकुन जिवर मिनिते दागनी लोटेशन तथापि वाक्य मे शक्यते मया त्वत् मखिलम छात्र हिते पर्यावसीयते

विद्यार्थी बुद्धि विद्याथीबुद्धिवृद्याम्रयुक्त कर्मोस्तिक न ही गई्यने लधुम केना शक्यतेर्लुटिफिलिबाकाशिचेपेन्नी चल स्वीकिन्युनुषु नवसी भाषते चारको प्रातः दिवा निशि संस्थाने तव कृतिया भाषंते सूर्यो सूर्योदीटु छिटु तो तो नि

कितनी कितनी प्रसन्नता की बात है कितना आह्लादक है दूसरे का सुन लेना टिप्पणी कर देना तो बहुत सरल बात है तो हमारे दावा शर्पा जी ने स्वता के पद्य बनाए ये तो आप जानते हैं गद्य भाषा सरल होती है जहाँ से भी आप बोलना शुरू कर दीजिए वाक्य की क्रिया पहले बोल दीजिए कर्म बीच में लगा दीजिए कर्ता बाद में मार दीजिए या कर्ता बीच में रख दीजिए कर्म पहले रख दीजिए क्रिया बाद में जहां जहाँ से भी आप करें हिंदी में संस्कृत में वो आपका, लेकिन पद्य में सर कठिन है उसमें छंद है उसमें जगण तगण मगण रगण नगण ये आठ गण बैठे हुए हैं हर सुदीर्घ का नियम बैठा हुआ है पूरा पिंगल वहाँ जो है सर पूरा चढ़ा हुआ है सिर पर वो वृत्त रत्नाकर वगैरह छंदा सात समुच्चा छंदो रत्नावली ये सब सब पढ़ना पड़ता है देखिए रत्नाकर शांत पादी का रत्नाकर शांत पादी पाद जो आचार्य हैं आपके उनकी भी यहाँ पे शास्त्री जी ने संपादन किया है छंद पर वो छंदो रत्नाकर नाम का ग्रंथ अपने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से क्या है प्रकाशित है देखा होगा आप लोगों ने तो बहुत अच्छा है तिब्बती में भी छंद है उसमें और सर संस्कृत में भी छंद है पूरा पूरा है उसमें तो दावा सरपा ने जो पद्य प्रस्तुत किए मेन पॉइंट वो बहुत शुभ का सूचक है अन्य छात्रों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ये मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है अब मैं आ, हमारे हमारी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में कहीं गुपचुप रूप में कहीं प्रकाशित रूप में और <laughs> कहीं मैंने घर पर भी उस पर मनन चिंतन बिल्कुल गहन रूप से करते हुए और जो संस्थानीय प्रशासनिक या और भी जो होती है ना सर बाहर की मिनिस्ट्री से संबंधित कहीं आरक्षण कहीं दो सौ पॉइंट क्या होता है सर वो रोस्टर होता है एक आपका है ना आरक्षण होता है तो इन सब में सहयोग करते हैं बिल्कुल बराबर और बड़ी अच्छी अद्भुत क्षमता है इसमें कोई दोरा नहीं है चश्मा सर चमकता हुआ दूर से दिखाई देता है हाँ तो मैं अब लाल शर्ट अपने श्री राजेश मिश्र जी को लाइब्रेरी से मैं बुला रहा हूँ कि सर वो आए और बताएं क्योंकि आपने बहुत से कार्य संपन्न किए हैं और फिर इसके बाद महेश शर्मा जी तो है ही हैं क्योंकि वो तो अभी जूनियर हैं आपसे आप, आप आएँ आपका सादर स्वागत है राजेश मिश्र जी परम श्रद्धे कुलपति जी तथा मंच पर विराजमान प्रोफेसर नेगी जी और संस्थान की नवागत कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथियों बड़ा विदाई वास्तव में एक भावुक क्षण होता है और एक ऐसे संस्थान में जहाँ लगभग 25-26 साल आपने किसी के साथ काम किया हो और फिर अचानक ये लगे कि कल से चीज़ें बदल जाएंगी तो एक थोड़ा सा सेटबैक होता है लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत कम उम्र में इस संस्थान में आ गया मेरी पच्चीस छब्बीस साल की अवस्था थी बस कॉलेज से निकले ही थे यूनिवर्सिटी से तो जो भी सीखा यहीं से सीखा और जो कंट्रीब्यूट किया यहीं कंट्रीब्यूट किया और उसमें से 96 में ज्वाइन करने के बाद दो तीन साल रेनपोचे जी के साथ काम किया और उसके बाद फिर सर आ गए कुलपत जी आ गए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जैसे एक बड़ी छोटी सी बात है जैसे हम लोग जाते रहते हैं प्रोग्राम्स वगैरह में आ, कहीं भी सेमिनार में कॉन्फ्रेंसिस में जो टाइम शेड्यूल हमारा होता है अगर यहाँ तीन बजे कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो तीन बजे ही शुरू हो रहा है ये एक बड़ी विशेष बात है मंत्रालय तक में ऐसा नहीं होता है या इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाता है लेकिन वो तीन बजे कैसे शुरू हो जाता है तीन बजे ही क्यों शुरू हो जाता है इसके पीछे एक पूरी मैकेनिज्म है पूरी एक केमिस्ट्री काम करती है ये बहुत बाद में समझ में आया और सिर्फ उतना होने से ही पूरे कार्यक्रम की गरिमा कैसा भी कार्यक्रम हो उसकी गरिमा एक बन जाती है तो ये एक समय का अनुशासन जो है और ये हमारे कुलपति महोदय जी का जैसे आज ही अब लंच के पहले हमारी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो प्रश्न हुआ कि अब तो सर ने कहा कि अब थोड़ा पहले आराम करेंगे तो आराम नहीं करेंगे मैं जानता हूँ क्योंकि वो अमृता प्रीतम की एक छोटी सी कविता है कि ये अक्षरों के बीज जाने किसने बो दिए कि पानी देते देते हमने ज़िंदगी गुजार दी तो अक्षर से आपका साथ है ज्ञान से साथ है उस साधना में लगे हुए हैं तो वो कभी भी खाली बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं कभी भी हम लोग देखते हैं कुछ प्रशासनिक कार्य से भी गए हैं तो सर कुछ एडिट कर रहे हैं कुछ करेक्ट कर रहे हैं कुछ देख रहे हैं कर रहे हैं पहला मौका ऐसा आया मेरे साथ वैसे तो बहुत सी यात्राएं भी मेरी साथ में हुई और आ, कई तरह के काम करने का मौका मिला निगम निमा नेगी जी आए थे ट्रांसलेशन भी हमने साथ में किया सर के तो एक बड़ा अच्छा अवसर आया था बुद्ध महोत्सव दिल्ली में जब मनाया जा रहा था सत्रह या अठारह में तो दस पंद्रह दिन हम लोग साथ में थे तो उस समय पहली बार देखा मैंने कि मतलब आईसीसी में सर रुके हुए थे हम लोग बाहर होटल्स में थे गुरुजी भी साथ में थे और भी हम लोग चार पांच लोगों की एक टीम थी दस ग्यारह बजे तक लगातार इनविटेशन ट्रांसलेट हो रहे हैं ये हो रहा है और मिनिस्ट्री कुछ काम नहीं कर रही थी सारा काम हम लोगों के ऊपर डाल करके और वो खाली बन गया कि नहीं बन गया हो गया कि नहीं हो गया यही फोन आ रहे थे बार बार तो कई बार उधर से मंत्रालय से आ, इस तरह के फ़ोन धमकाने टाइप के फ़ोन भी आए अब मेरा ही नंबर दिया हुआ था वहाँ तो कि अभी तक इन्विटेशन क्यों नहीं बना कैसे करते हैं तो अब मैं अपसेट हो गया उसमें सर थे तो फिर उन्होंने आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि नहीं ऐसी स्थिति में भी आपको सहीमित होकर के ही व्यवहार करना चाहिए और ढंग से ही उसको हैंडल करना चाहिए तो इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी तो जितना भी सीखा यहीं से सीखा क्योंकि उसके पहले तो पढ़ाई की और नौकरी के लिए पूरी जद्दोजहद थी और जो कंट्रीब्यूट किया यही हो रहा है अभी और करना है आगे भी करना है तो ये और विदाई तो अब क्या कहा जाए अब आप लोग तो साधक हैं शास्त्र के ज्ञाता हैं काल है तो समय से जंग जारी है आज आपकी तो कलमेरी बारी है सबको ऐसे ही धीरे धीरे चलना है तो आप स्वस्थ तो है ही सक्रिय हैं और मैं कामनाएँ तो हमारी आपके साथ हमेशा हैं ही शुभकामनाएँ लेकिन आपकी कृपा भी आपका आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे इस भावना के साथ मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ सबको धन्यवाद हम अपने ही परिसर के अपने ही संस्थान परिवार के लोगों को सुने आ, अच्छा है लेकिन बाहर से जो अतिथि यहाँ विराजमान हैं तो उन्हें तो हमें और पहले सुनना चाहिए सर नहीं तो ये विषमता होगी ना कि देखिए अपने हाथ में चाबी है कंट्रोलर है तो अपने लोगों को लगाए जा रहे हैं हम लोग तो ये उचित नहीं है इसलिए मैं मुकुल राज मेहता जी सर को प्रोफेसर मुकुल राज मेहता बड़े गंभीर सुचिंतक देख लीजिए आप व्यक्तित्व से क्या बढ़िया एकदम बिल्कुल सरस मधुर व्यक्तित्व आप आए सर और आपके विषय में अपने अनुभव रखें हम लोगों को कुछ कुछ अच्छी प्रेरणा प्रदान करें गंभीर शब्दावली पदावली के द्वारा जो है सबको प्रभावित करें आइए श्रद्धेय पद्मश्री आचार्य सामतेन जी मंचस्थ आदरणीय आचार्य नेगी जी आदरणीय डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी सामने विराजमान भिक्षुवर्ग देवियों और सज्जनों जितना प्रोफेसर चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं उतना तो मैं नहीं बोल पाऊँगा लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी वक्ताओं ने आचार्य सामतेन जी के बारे में कहा इंक्लूडिंग प्रोफेसर चतुर्वेदी जी वो उससे कहीं बहुत बड़े हैं यदि सबका मिला भी लिया जाए तो क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है और भावनाओं को भाषा बांध नहीं सकती तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा भी काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है प्रोफेसर सामतेन जी के साथ कई यात्राएं हम लोगों ने साथ में भी की हैं हर तरह की यात्राएं भी की हैं उसमें मैं जो सोच के आया था वो तो सब भूल गया इतना सब कुछ सुनने के बाद अब जो ध्यान में आ रहा है वो बोल रहा हूँ एक बड़ी रोचक यात्रा थी संभवतः याद होगा आपको भी हम लोग तावांग जा रहे थे एक 2004-5 की बात होगी ये करीब तो गुवाहाटी से एक हेलीकॉप्टर लेना था हम लोगों को किराए पे हम लोग चौदह लोग थे टोटल तो हेलीकॉप्टर लिया हम लोगों ने और गुवाहाटी से चला चूंकि आपके निर्देशन में ही वो सेमिनार हो रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला से था वो तो आ, मैं आपके निर्देशन में ही आ, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था सेमिनार को तो गुवाहाटी से चले हम और तावांग के ऊपर पहुँचे तब तक जो कैप्टन था हमारा उसने कहा कि लैंड नहीं कर सकते तो ये हुआ कि अरे आ गए हम लोग लैंड नहीं कर सकते मतलब क्या उसने कहा नहीं पानी बरस रहा है क्रैश हो जाएगा तो फिर अब क्या होगा तो उसमें कुछ लोग थे वो हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे जो हेलीकॉप्टर में बैठे थे प्रोफेसर करुणेश शुक्ला जी थे सर आपको याद होगा तो आ, फिर ये हुआ कि नहीं लैंड नहीं हो सकता और फिर वापस आना पड़ेगा तो फिर वापस हम लोग गुवाहाटी आए जहाँ से चले थे वहीं से अब यह हुआ कि तावांग में सेमिनार तो होना है और पहुँचने का कोई और तरीका नहीं है तो 24 घंटे ट्रैवल करके लगातार तीन गाड़ियाँ हम लोगों ने ली वहीं से और 24 घंटे लगातार ट्रैवल करके बॉमडीला सेला पास होते हुए तावांग पहुँचे हम लोग और वहाँ पर सेमिनार हुआ लेकिन ये देखा कि जरा भी थकावट आचार्य सामतेन जी के चेहरे पे कहीं नहीं दिखी पूरे प्रोग्राम में जबकि ये काफ़ी लंबी यात्रा थी और काफ़ी द्रुह यात्रा थी तो इस तरह के अनुभव बहुत रहे काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा अब मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इस समय यही कहूँगा कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला जितना सहज और जितना सरल तरीके से चीज़ों को आप लेते हैं कहते हैं वो बड़ा दुर्लभ है तो इस अवसर पर मैं आपके उत्तरार्ध हेतु अपनी समस्त शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से अपने अध्ययन अध्यापन में एवं अन्य चीज़ों में क्योंकि बहुमुख बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप बहुमुखी व्यक्तित्व है आपका तो आ, आपकी हर क्षेत्र में उसी तरह सक्रियता बनी रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहता हूँ धन्यवाद